जय हिंद एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं सब लोग जय हिंद प्रदीप जय हिंद मांडवी गुड मॉर्निंग दोहत क्या हाल चाल है सबके ऑल गोइंग गुड जय हिंद प्रणव कैसी चल रही है तैयारी आप लोग बढ़िया बता दीजिए गुड अच्छी बात है गुड ही रहना चाहिए चलो बता दो स्क्रीन पे कौन है कोई जानता है इनका नाम ज ऑन ट्रैक ऑन ट्रैक दैट्स गुड प्रिपरेशन ट्रैक पर रहनी चाहिए बाकी चीजें तो अपने आप ट्रैक पे आ जाती हैं ना बिल्कुल सही जी तो जो आप हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कौन है प्रियंका चतुर्वेदी कहां से है ये राज्यसभा के मेंबर हैं ये बता दीजिए शी इज फ्रॉम स्टेट आज तो बेसिकली रिवीजन क्लास है हमारी क्यों पूरा सितंबर का हम मंथली कंपाइलेशन रिवाइज करेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज की क्लास के एंड तक आप लोगों को पता लग जाएगा हां बिल्कुल महाराष्ट्र से हैं ये डन सो लास्ट क्लास तक आपको ये जब तक ये क्लास हम कंप्लीट करेंगे यू विल बी अवेयर कि कौन कौन से फैक्ट देखो पढ़ा सबने होगा जिन्होंने जो डेली आते हैं बच्चे ऑफ कोर्स उनको चीजें आदि याद होंगी पहले हम न्यूज पार्ट डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो विद विदर क्वेश्चन ऑल्सो जय हिंद सुशील ठीक है तो आप लोगों के लिए एक एक काम कीजिएगा जब मतलब आप लोग क्लास लगा रहे हो उस टाइम पे थोड़ा सा कहीं भी लिख लो कि नहीं मुझे ये कंसेप्ट में देखो आई टेल यू वन थिंग जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना उस टाइम पे वो जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी एवरी हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं मैं आपको रोज यहाँ के आप पे आके क्या करंट अफेयर्स बताऊंगी ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपको देगी देखो इस पर्टिकुलर करंट अफेयर से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है वो आप लोगों की खुद की है सो यू शुड नो कि मैंने ये ये पूरा महीना लगाया मैं आठ बजे आके बैठा या बैठी उसके बाद का जब मैं मंथली क्लास में गया रिविजन में गया तो मुझे क्या चीजें नहीं आती थी क्या मिस आउट थी ठीक है बिकॉज कुछ फैक्ट्स है वो तो आप ही याद करोगे सो so, आराम से बैठिए इट इज बेसिकली रिवीजन क्लास जिसमें पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस मंथ के हम लोग वो पिक करेंगे बाकी आप लोगों ने सब सबने क्लासेस लगाई है तो ऐसा तो नहीं आप लोगों का कुछ मिस हुआ होगा बट फाइन फिर भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दैट वी विल डिस्कस ठीक है जी चले शांति से बैठो आराम से बैठो रिवाइज करो बिकॉज अगर आप लोग लगा तो मे भी जो नोट्स वाला पार्ट होगा तो आप लोगों ने पूरा महीना किया ही होगा सो बेसिकली टूडे वी विल सी अबाउट द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसके बाद के कुछ क्वेश्चन कुछ करंट अफेयर्स हम क्वेश्चन से भी रिवाइज करेंगे एंड द थिंग्स विल बी डन ठीक है जी चले स्टार्ट विद दार क्लास एक बार थम्स अप यस कुछ लिख दीजिए इफ यू आर रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास टू स्टार्ट नाउ थोड़ी सी लेंथी क्लास होती बट आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे अच्छी क्लास होती क्योंकि इसमें आपको भी चीजें पता है कुछ नया नहीं आएगा इट विल बी जस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास चलो जी सो एज यूजुअल पहले कल मैं आपको एक क्वेश्चन देके गई थी एंड इस क्वेश्चन का रिलेटेड था करेक्ट चलिए द क्वेश्चन था आपका द एंड्रॉन प्रोजेक्ट इज अ डन ऑल सेट डन कम विल तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था रिलेटेड टू ड्रॉन एक प्रोजेक्ट है ये किसके रिलेटेड है तो इसका आंसर कुछ लोगों ने दिया कुछ लोगों ने नहीं दिया बट ठीक है आंसर क्या है इसका आई वेट फॉर फाइव मोस्ट सेकेंड फॉर यू ऑल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है थर्मल पावर प्रोजेक्ट है एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है या कोई गैस फायर पावर प्रोजेक्ट है करेक्ट तो इसका जो आंसर है बेसिकली दैट इज आर गैस फायर पावर प्रोजेक्ट ठीक है तो यस आंसर वॉल डी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है जी चलिए सो लेट स्टार्ट विद आर पर्टिकुलर करंट अफेयर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट we'll होगी सितंबर मंथ के करंट अफेयर शांति से आराम से प्यार से बैठिए एंड विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्लास विद क्वेश्चंस बिकॉज असली परीक्षा कहां होगी क्वेश्चंस में ठीक है चलिए सो so, जो फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट था दैट वॉज रिलेटेड टू इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों को पता है इस पर्टिकुलर टाइम पे हर चीज दो चीजें मैं आपको बार बार बोलती हूं कि हर एक कंट्री वर्ल्ड में जो फोर मोस्ट इस टाइम जो ध्यान रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है दो चीजों पे एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा क्या है क्लाइमेट ग्रीन क्लाइमेट ग्रीन टेक्नोलॉजीज इन दोनों चीजों पे ध्यान रखा जा रहा है ठीक है जी सो दिस इज ये पर्टिकुलरली अभी इसी महीने अक्टूबर में बात हुई है अभी फुल जॉब डेट्स आएंगे ऑफकोर्स जब करंट उस पर आएगा तो हम फिर से बात करेंगे इसके ऊपर बट येस दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर होस्टिंग दिस एन आज इंडिया और जब बात आएगी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो वी ऑल नो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अप्लाई नहीं होता है पहले या तो कंप्यूटर्स की बात कर लो मशीन्स की बात कर लो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करो एंड नाउ गवर्नेंस की बात कर लो अभी हमने जी ट्वेंटी सबमिट देखा उसमें हमने क्या देखा कि जो वेलकम कर रही थी दैट वाज आल्सो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंटरफेस बेस किया था तो यू कैन इमेजिन अभी भी हमने देखा आई थिंक आज तक पे की कि किसी पे जो नरेटर आती है ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर जगह ये पर्टिकुलरली इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है ठीक है तो इट विल बी गेटिंग हो, तो जिसमें बात की गई थी हमने कुछ चीजें देखी तो वाइब्रेट इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा डीआई भाषिनी इंडिया डाटा सेट्स प्रोग्राम इंडिया ए आई फ्यूचर डिजाइन और कुछ स्टार्टअप्स के लिए पर्टिकुलरली ये भी इसमें हमें कुछ देखने को मिलेगा अब वो फर्दर क्यों देखने को मिलेगा वो तो अब जब ये सबमिट होगा उसके बाद ही हमें पता लगेगा ठीक है जी सो दिस वॉज द पर्टिकुलर थिंग तो चलिए एक अपॉइंटमेंट एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू अपॉइंटेड फॉर दिस पोस्ट एंड वो कौन थी हमारी जया वर्मा सिन्हा क्या अपॉइंट किया गया इनको चेयरपर्सन सीईओ ऑफ अ रेलवे बोर्ड पहली महिला जो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे अपॉइंट की गई है तो यही आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो इन्होंने किसको सक्सीड किया इनसे पहले जो इस पोस्ट पे थे देव दैट व अनिल कुमार लाहोती ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है ये जया वर्मा सिन्हा नाम इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये वो महिला है ये पहली महिला है जो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपॉइंट की गई थी ठीक है जी सबको याद था ये वाला पॉइंट कमेंट कर दो अगर मैं वैसे डायरेक्टली पूछती तो फर्स्ट वुमेन टू अपॉइंट फॉर द सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड एनीवन हु इज जस्ट अगेन नो किसी को याद नहीं है तो बोलो एंकर सना हाँ यस आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल दैट नेम चलिए ठीक है तो पहली महिला जो सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड बनी उनका नाम क्या है हमारा जया वर्मा सिन्हा चलिए तो ये तो न्यूज सबको पता होगी दैट वाज इंडिया मेंस हॉकी टीम वन हॉकी फाइवर्स एशिया कप और इसी के साथ इन्होंने अपनी जगह किसमें बना ली है अगली बार जो वर्ल्ड कप होगा हमारा ओमान नेक्स्ट ईयर ठीक है जिनको याद था दैट वॉज रियली अ गुड थिंग दैट मीन्स यू आर गोइंग गुड देखो जब भी ऐसा कोई अपडेट आता है ना कि पहली महिला बने या इंडिया में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है इस तरह के अपडेट्स आजकल तो हमें कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं जैसे कि अभी एशियन गेम्स में हमने क्या देखा कि जो हमारा इक्वेस्टर्न रिसेज में हमें इकतालीस साल बाद हमें वोट मिला तो ये सब चीजें जो पहला फर्स्ट वाला जो ये है ना जहां पे भी आपको ये लग जाएगा फर्स्ट टाइम ठीक है फॉर द फर्स्ट टाइम जब भी आ जाएगा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्यों एग्जाम के लिए बिकॉज इस टाइम पे हम वैसे भी किस पे देख रहे हैं भारत को इंडिया को एक फोर मोस्ट उस पर लाने के लिए हम काम कर रहे हैं तो इसलिए यह पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाता है, है ना सो so, ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज का ओके नेक्स्ट इज आर शनमुगर्थनम विन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिंगापुर तो ये नाम था ये हमारे क्या इंडियन ओरिजिन से ये ताल्लुक रखते थे और अब इनको क्या मिल गया है हमारा ये बन गए हैं प्रेसिडेंट कहां के सिंगापुर के तो यस ही बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया ओरिजिन के हैं इकोनॉमिस्ट हैं सीनियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं पूरा नाम क्या है इनका थर्मन शनमुगर्थनम एंड ही रजिस्टर्ड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन सिंगापुर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड ज्वाइंट पॉलिटिक्स कब ज्वाइन की थी इन्होंने बेसिकली ही ज्वाइन पॉलिटिक्स इन टू थाउजेंड वन ठीक है डा सो ये थे इनका और वी ऑल नो हमें जगह तो पहले ही पता है ऐसा नहीं है कि ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट बिगम देन तीन इनका जो थर्ड प्रेसिडेंट है ये बने हैं इंडियन ओरिजिन के इनका नाम क्या है पहले जो इनसे थे दैट वाज सेलपन रामानतन एंड छिंगारा विटल देवान नायर तो ये दो लोग जो पहले भी हमारे प्रेसिडेंट बन चुके हैं ऑल गोइंग गुड किसी को वॉइस में कुछ प्रॉब्लम कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा ना एनीथिंग किसी को वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो जस्ट से यस कोई वॉइस में कोई वीडियो एनीथिंग इज वेरी इशू ऑल क्लियर डन चलिए सो नेक्स्ट इज आर गुजरात डिक्लेरेशन तो गुजरात डिक्लेरेशन किसके रिलेटेड हमने पढ़ी थी गुजरात डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू आर ट्रेडिशनल मेडिसन और हमने क्या देखा था कि पहली बार ऐसी कोई हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को फोकस में रख के ऐसा कुछ होस्ट हुआ था दैट वाज गुड ठीक है अगर सब कुछ क्लियर है ओके okay. चलिए तो हमने क्या देखा था मैंने आप लोग जब हमने ये पर्टिकुलर न्यूज डिस्कस भी की थी तब मैंने आपसे एक बात की थी कि जब कोविड आया था उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हालात थे वो हम सबने देखे ऐसा आप लोगों में से भी कोई नहीं होगा जिसने कोविड की जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी हॉस्पिटल्स में जो हमने शॉर्टेजेस देखी थी वो सब चीजें किसी को याद ना हो <laughs> है ना तो उस पर्टिकुलर टाइम पे काफी लोगों ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के थ्रू रिकवर किया था ठीक है प्लस उस टाइम पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पतंजलि का जो बेसिकली उन्होंने कोविड किट बनाई थी काफी लोगों का कहना है वो भी उससे ठीक हुआ सो द पॉइंट इज वैसे भी जो हमारा इंडिया है आयुर्वेद के लिए जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है हमारे कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन है आज भी जिनको हम घरों में नॉर्मली आप देखते होंगे या आज भी हमारे घरों में पहले बाहर से दवाई लाने से पहले कुछ घरेलू इलाज घरेलू जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है या जो हमारे प्रॉपर आयुर्वेद को जो हम फॉलो करते हैं इन सब चीजों के ऊपर आज भी ध्यान दिया जाता है ठीक है तो पॉइंट क्या था कि जब कोविड आया वही चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई ठीक है तो दिस वॉज अ थिंग तो हुआ क्या कि डब्ल्यू एचओ अभी कहां भी हुई थी दिस वॉज एन आर जामनगर में ये तो याद होगा सबको ठीक है तो दिस वॉज कॉल्ड एज अ गुजरात डिक्लेरेशन ग्लोबल कमिट कमिटमेंट टू वर्ड्स इंडिजीनियस नॉलेज इंडिजीनियस मतलब हर एक देश का ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया की अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन कुछ चाइना की भी होंगे हर एक जितनी भी कंट्रीज है उनके कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन होंगे ट्रेडिशनल मेथड्स होंगे अब बात की जा रही है कि उन सब मेडिसिन को आप एक जगह पर लेके आओ एक तभी तो ये पर्टिकुलर समय क्लियर हुआ ठीक है तो क्या होगा कि अगर जैसे मान लीजिए इंडिया के कुछ मेडिसिन तो वो एक्सचेंज के साथ जो आज दस मेथड्स हमें पता होंगी दस मेडिसिन पता होंगी आने वाले टाइम में जब बाकी कंट्री से भी हमें जो आउटपुट्स मिलेंगे तो हम क्या हो जाएगा उसके बाद वो बढ़ती जाएंगी सो so, क्या ध्यान दिया जाएगा इंडिजीनियस नॉलेज इज बायोडिवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि आप कहां पर हेल्ड की गई थी दैट वॉज हेल्ड इन आर जामनगर पूछा जाए कि गुजरात डिक्लेरेशन है क्या दैट इज रिलेटेड टू आर डब्ल्यू एच ओ ट्रेडिशनल मेडिसिन द एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेस साइंटिफिक मेथड इज नीडेड टू बेटर अंडरस्टैंड एस एस एंड वर एप्रोप्रिएट अप्लाई मोर होलिस्टिक सारी की सारी बात क्या है ट्रेडिशनल वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री से हम मेडिसिन को अब एक उस पर लेके जाए मैक्सिमम लोगों को कोविड हुआ था उस टाइम पे अब मैंने खुद सफर किया है मुझे खुद कोविड हुआ था सो यस चलिए अब आज सब अच्छा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड होप कि कल को ऐसी कोई भी हमें पेंडेमिक कंडीशन देखने को ना मिले बिकॉज उस टाइम पे दैट वॉज अॉक फॉर यू ऑल ऑल्सो फॉर अ कंट्री ऑल्सो वर्ल्ड वाइड ऑल्सो एंड स्टिल वी आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग है ना चलिए सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अगर देखा जाए कि क्या क्या इसमें बात हुई थी तो हमने पहले भी जैसे मैंने आपको बताया वेलबीइंग ऑफ अ पीपल एंड द प्लैनेट रिसर्च एंड एविडेंसेज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राइमरी हेल्थ केयर एंड हेल्थ सिस्टम्स डाट एंड रूटीन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी सो द पॉइंट इज कि सब चीजें अब एक ही बात पे आएंगी एक ही लोकेशन पे हम लेके आएंगे चाहे वो चाइना का किसी का भी अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो इस पर्टिकुलर इन्वॉल्व uh, थे इसके अंदर उन सबको हम एक हफ्ते लेके आएंगे ठीक है जी सो दैट वॉज थिंग चलो जी एंड नेक्स्ट इज न्यूज अपडेट वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन टू एंटरप्रन सो so, इसमें क्या है बेसिकली जैसे कि इसका नाम भी आपको दर्शा रहा है कि एजुकेशन के साथ साथ वी ऑल नो इस टाइम पे हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं नॉर्मल बहुत यंग एज के हमें एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिल रहे हैं है, है ना कोई उन्नीस साल के हम देखते हैं कि सत्रह साल के बच्चे ने ये चीज बना दी सो so, इन सब चीजों के लिए बाकी हो सकता है बाकी लोग भी हो लेकिन उनको एक प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल रहा हो ठीक है हो सकता है आप लोगों के माइंड्स में भी कुछ ऐसे आइडियाज आते होंगे कि काश ऐसा हो सकता हो हो सकता है कि आपका आइडिया सही हो लेकिन आप अभी किसी को बता ना रहे हो बट अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले हो सकता है आपका वही आइडिया एक बहुत बड़ा स्टार्टअप में बदल जाए यू नेवर नो ठीक है जी सो इन्होंने बेसिकली जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उन्होंने ये एजुकेशन टू एंटरप्रिनरशिप लॉन्च किया है तीन साल का ये बेसिक रहेगा किसके साथ है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मेटा ठीक है इन तीन के बीच का ये कोलैबोरेशन है ये लेके आए हैं एजुकेशन टू एंटरप्रीनियरशिप और क्या है एंपावरिंग अ जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेटर्स एंड एंटरप्रीनियर स्टूडेंट्स एजुकेटर्स और एंटरप्रीनियर सबको एंपावर का सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स अगर नया आइडिया ले गए तो उनको भी कोई गाइडेंस देगा तो एजुकेटर्स को भी इसमें इन्वॉल्व है तीन देखा जाए तो तीन फेयर स्टूडेंट्स एजुकेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स इन तीनों को एक जगह पे लाके कुछ एंटरप्रेन्योर्स से आपको सीखने को मिलेगी कि कैसे उनकी जनि स्टूडेंट्स के अपने आइडियाज होंगे तो उससे क्या होगा एक फर्दर एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप होगा फॉर आर दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ इसमें जो चीज इन्वॉल्व इंस्टीट्यूट कौन कौन है तो हमने क्या देखा मेटा भी हमने डिस्क्रनाइज बट बेसिकली दिस इज ऑल्सो एंटरप्रिनियोरशिप और एजुकेशन के रिलेटेड ये काम करता है एन आपको सबको पता है एंड एक है तो इन सबको जो मिलके इन एक जो हमारी चार ये हैं इनके बीच में मिलके ये कोलाबोरेशन हुआ तो ये चार इंस्टीट्यूट बेसिकली काम करेंगे किसके लिए हमारा जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है एजुकेशन टू एंटरप्रन्यर शिप ठीक है और इसमें कहा क्या गया है देखो अमृत पीढ़ी ट्रांसफॉर्मृत और अम्र, अमृत पीढ़ी किसको मार्क किया था हमारे मोदी जी ने ही मार्क किया था किसको जो हमारा यूथ है बेसिकली उनको मार्क किया जा रहा किसे? है किससे अमृत पीढ़ी बिकॉज अब ये जो यूथ है यही आगे जाके हमारा फ्यूचर बनेगा ठीक है तो इसीलिए इनके लिए काम किया जा रहा है तो वर्क फोर्स एंड माइक्रो एंटरप्रेनोर्स टू फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज न्यू एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड एंटरप्रिन्यर्स मतलब जो आज के बच्चे हैं उनको ही नए तरीके से बिकॉज हम देखना पहले कुछ चीजों जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किया आज के टाइम पे उन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए हम बच्चे या कोई भी नए नए हमारे पास ऑप्शन आते हैं तो दैट इज द थिंग एंटरप्रिन्योरशिप वैसे भी सबके माइंड में आज के टाइम चल ही रही है तो चलिए जी एक और धर्मेंद्र आपके पास कोई ऐसा आइडिया ंग ऑफ फंड आई थिंक धनेन्द्रा के माइंड में कुछ ऐसा आइडिया है ना कोई नहीं धनेंद्र आप शेयर कर दो अपना आइडिया चलो जी नेक्स्ट है हमारे राम जो कल हमने डिस्कस किया था इनोवेशन इंडेक्स में तो किया था ना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फोर्टी एथ दो हजार पंद्रह में कौन से रैंक में था यह बता दो चलिए जी सो नाउ दिस इज रिलेटेड टू अ मैगसी अवार्ड और इस बार किसको मिला है डॉक्टर रवि कनन कहां से हैं ये ही इज फ्रॉम असम एंड इनको क्या हीरो ऑफ अ होलिस्टिक हेल्थ केयर ठीक है जी सो so इनको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला गया है और किस चीज में कैंसर केयर में बेसिकली इन्होंने काम किया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ठीक है जी यस एटी फर्स्ट वॉज द रैंक इन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड नाउ वी केम टू आर फोर्टीएथ करेक्ट ओके चलिए जी सो आई विश यू लक धनेन्द्र हो सकता है कल को हम आपका आइडिया किसी स्टार्टअप उसमें देखें है ना वी ऑल सी धनेद्र गेटिंग सम स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन एज एंटरप्रेन्योर चलिए सो डॉक्टर कनन ने किसमें काम किया है कैंसर केयर के लिए बेसिकली कहा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को स्पेसिफिकली इन्होंने टारगेट किया वी ऑल नो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमने इस टाइम पे हम क्या देखते हैं अच्छा मुझे एक बात बताओ भी थोड़े दिन पहले मैंने आपसे एक न्यूज अपडेट डिस्कस की थी रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट रीजन चलो मैं आपको एक और हिंट देते उसका देखते किसको वो याद होगा मैंने आपको उसमें बोला था कि बेसिकली यूथ को करियर अपॉर्चुनिटीज पहुंचाने के लिए वो टारगेट की गई थी ठीक है स्टार्ट किया था इंडियन नेवी ने एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ कोलेबोरेट करके एक तो मुझे आप नाम बता दो कि उस प्रोग्राम का नाम क्या था पहली चीज और दूसरा आपको मुझे बताना है कि किस कंपनी के साथ इंडियन नेवी ने कंपुलाब किया है पर्टिकुलरली उस चीज के लिए लेट्स सी कितने लोगों को वो याद है जब तक मैं ये मैक्सम वर्ड आपसे से, से डिस्कस कर रही हूं सी किस किस को वो प्रोग्राम का नाम याद है बेसिकली चलो मारुति सुजुकी तो याद आ गया सिक्किम है ये सिक्केम, हेलो सिक्किम जिसका बेसिकली मतलब है ठीक है यस मारुति सुजुकी एंड इंडियन नेवी बेसिकली यस और क्या है ये कार एक्सपेडिशन जाएगा और उसका लॉन्ग दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट मींस यू आर डूइंग गुड विथ योर करंट अफेयर सेक्शन चलो जी तो इनको मिला था इनको किसके मिला हेल्थ केयर कैंसर केयर बेसिकली और हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट में अपॉर्चुनिटीज पहुंचाना चाहे वो हेल्थ केयर के रिलेटेड हो चाहे वो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड रोडवेज के रिलेटेड किसी भी सेक्टर में बिकॉज जोग्राफी ऐसी है, है ना तो उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हमारे पास जो ट्रेन है उनको ओवरकम करने के लिए हम पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं तो उसी चीज में रविकरण जी को भी मिला है ठीक है तो फोर एशियंस uh, इनको अवार्ड मिला है पहले तो देखिए कौरवी राक्षांत ये बांग्लादेश से इनको युगिनो लामोस फ्रॉम यूगिनोलामो थे मिरियम कर्नल फेरर फ्रॉम फिलीपींस और रवि करण जो है दैट इज ही फ्रॉम इंडिया ठीक है करेक्ट ठीक है जी तो दैट वॉज ई ये चार लोग हैं जो बेसिकली एशिया से नॉमिनेट एशिया से इन लोगों को नॉट नॉमिनेट इन सेलेक्ट किए गए हैं हमारे इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए ठीक है जी तो किसमे मिला है हमारे रविकनंद जी को कैंसर केयर के लिए जो उन्होंने बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने काम किया उसके लिए डन करेक्ट चलो नेक्स्ट इज आर मालविया मिशन एंड जब मालविया की मालविया जी की बात आती है तो उस टाइम पे हमारे पास क्या हो गया टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और ये बेसिकली जो एसोसिएशन आया है वो आया है यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में तो बेसिकली जो इसका टारगेट है दैट इज रिलेटेड टू अ टीचर ट्रेनिंग ठीक है एक पोर्टल इनॉग्रेट किया गया है जिसमें पूरा प्रोग्राम एंड रिलेशन सब कुछ होगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड टेलर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स बच्चों को तो हम सिखाएंगे ही बच्चों के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो उसके सबसे पहले चीज आप किसको सिखा दीजिए टीचर्स को अगर आप कोई भी न्यू डेवलपमेंट कोई भी नया तरीका आप लोग लाना चाहते हैं तो हम पर्टिकुलरली किसको बोलेंगे कि आप टीचर्स को हम नॉर्मली uh, अगर आप लोगों ने स्कूल्स में देखा होगा तो टीचर्स को सेमिनार्स में भी भेजा जाता है सो बेसिकली दिस इज कि हम टीचर्स को भी अपग्रेड करें उनके अंदर भी कोई नए आइडियाज नए इनोवेशन वो हम सब चीजें इंकल्केट करें बेसिकली so क्या है ये द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अ फैकल्टी मेंबर्स इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ठीक है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिकॉज अगर टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो हमारी अपने आप ही एजुकेशन की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी एंड वी हैव ऑलरेडी सीन बहुत बार हमारे पास न्यूज में क्या आता है हम क्या देखते हैं हालांकि अब इस चीज पे बहुत ज्यादा टैप रखा जा रहा है कि टीचर्स हमने क्या देखा कहीं कहीं आप देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है ठीक है तो लेकिन अब ऐसा है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो चुका है हमने बहुत बार एक चीज देखी अगर आप लोग लोकल न्यूज में आप अपना चेक करोगे तो आप देखना कोई ना कोई डीएम या कोई भी वहां पर जाकर जरूर चेक करते रहते एंड तो इट इज कंप्लीटली अ सरप्राइज विजिट पहले क्या होता था कि पहले से आ, डिसाइड कर दिया जाता था कि इस पर्टिकुलर दिन पे चेकिंग होगी तो उस दिन से आप पढ़ा रहे होते थे लेकिन बाद में जब एकदम से सरप्राइज विजिट हुई तो ये पाया गया कि कुछ जगहों पर काम नहीं हो रहा है बच्चों के लिए तो एक वो जो एजुकेशन का पर्सपेक्टिव है वो कि क्या यही बैनर्श हो रहा था ठीक है तो फ्री एजुकेशन देकर भी क्या फायदा होगा अगर हम लोग पर्टिकुलरली ध्यान से काम नहीं करेंगे लेकिन अब ऐसा नहीं है नाउ आर एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो वर्किंग अब यंग टीचर्स जा रहे हैं तो दे आर ऑल्सो वेरी वेरी मच एनर्जेटिक फॉर देयर वर्क परस्पेक्टिव है ना तो चलिए एक और चीज आई थी दैट इज रिलेटेड टू कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको रिनेम कर दिया गया है मदन मोहन मालवीय ट्रीचिंग ट्रेनिंग सेंटर ठीक है जी तो ध्यान रखिएगा ओके वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैच्यू यह सबको आपको पता है कहां इंस्टॉल किया गया दैट इज इन भारत मंडपम 28 फीट टॉल स्टेच्यू था ये जिसको जो हमारे अभी जी ट्वेंटी हुई है उसके लिए पर्टिकुलरली इस स्टेच्यू को बनवाया गया था वर्ल्ड का सबसे बड़ा नटराज स्टेच्यू ये बना था है ना डन सी देखो प्रॉब्लम्स कंप्लीटली मैनेज कभी भी नहीं जो आपने कहा कि रूरल बैक फेसिंग प्रॉब्लम वो बिल्कुल बात आपकी सही है बट ये स्टिल होता क्या है कि एटलीस्ट स्टार्ट तो हो किसी चीज का हंड्रेड परसेंट से कम से कम एटी पे तो पहुंचो पहले बट वन डे विन फाइन क्योंकि अब क्या हो रहा है ना जनरेशन आगे बहुत ज्यादा लाइक uh, एक्टिव like हो रही है जैसे अगर आप लोग भी अपने आसपास देख रहे हैं सो जस्ट कंप्लेन ठीक है आपको लगता है कि आप किसी को अप्रोच कर सकते हो सो जस्ट वर्क फॉर द सोसाइटी ऑल्सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स बिकॉज आप लोगों का एक छोटा सा कदम जो वहां बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक काफी अच्छा एक फ्यूचर परस्पेक्टिव पे साबित हो सकता है इफ यू एवर यू सी समथिंग रॉन्ग अराउंड यू सो जस्ट बी अवेयर की जस्ट इन्फॉर्म द अथॉरिटीज एटलीस्ट करेक्ट हाँ बिकॉज क्योंकि एटलीस्ट स्टार्ट हुआ है चलो लेट्स ही कि आने वाले टाइम पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है तो ऑफकोर्स आने वाले टाइम में वी कैन एक्सपेक्ट लेकिन हाँ आप लोग भी अपने आसपास कुछ ऐसा देख रहे हो तो डू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज ठीक है एंड आज के टाइम पे तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है कि हाउ टू इन्फॉर्म एंड इवन आप लोगों की जो आइडेंटिटी है वो भी लीक नहीं की जाती है सो जस्ट फील फ्री ठीक है चलिए सो दिस वॉज द प्रोग्राम वन वीक वन लाप प्रोग्राम किसका प्रोग्राम था दिस वॉज ऑफ आर सी एस आई आर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दिस वॉज ऑर्गेनाइज कब इलेवन टू सिक्सटीन सेप्टेंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था लेकिन इसका मेन एम क्या किया गया था कि देखो सी एस आई आर बहुत चीजों में रिसर्च करती है कुछ रिपोर्ट्स आती है रिजल्ट आते हैं इनोवेशन आती हैं तो इन पर्टिकुलर चीज को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था सो ऑल ओवर उसमें कितनी लेबोरेटरीज थी वी हैव थर्टी सेवन तो इन पर्टिकुलर लेबोरेटरीज को हमने ओपन किया गया था किसके लिए पब्लिक के लिए ताकि पब्लिक को भी पता लगे कि किस तरह से काम हो रहा है किन चीजों पे रिसर्च चल रही है बिकॉज एक क्यूरोसिटी भी बढ़ती है देन सो इट वाज अ डोर्स टू द पब्लिक एंड इनवाइट देम टू विजिट इट्स डिपार्टमेंट्स पहले आप लोग नहीं जा सकते लेकिन ये ये पूरा वीक सेलिब्रेट किया गया था जिसमें जितने भी लैब्स है उनमें पब्लिक को अलाउ किया गया था ठीक है क्या आप अकेडमिक एंड रिसर्च इनिशिएटिव्स देखिए और उसके बाद जो वहां पे प्रोग्राम्स रखे गए थे उसके अंदर लेक्चर्स थे वर्कशॉप्स थी पपेट शोज थे विज्ञान कवि सम्मेलन थे क्विजेस थे, थे तो ये सब चीजें उसमें एंड ऐसा कभी भी अगर आप लोगों के आसपास भी ऐसे कुछ लैब्स हो तो प्लीज जाइए बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ठीक है बाकी सब चीज चलती रहेंगी लेकिन ये चीजें देखने में यू विल एंजॉय दिस आई डोंट नो बट जब छोटे होते थे स्कूल में आपको ऐसे लैब्स में लेके जाया था प्रॉपर ट्रिप ऑर्गेनाइज की जाती थी है ना ठीक है, नो इट इज नॉट लाइक सिर्फ जर्नलिज्म में मिलता है डिफरेंट uh, कैटेगरीज में मिलता है इट्स नॉट लाइक सिर्फ जर्नलिज्म में ही अवार्ड मिलता है ठीक है चलिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप और ये पहली बार हमारा ऑर्गेनाइज हो रहा है कहा हमारा दैट इज इन चेन्नई में ठीक है इससे पहले भी हुआ लेकिन इंडिया में पहली बार होस्ट किया जा रहा है एंड इट इज इन चेन्नई और इसमें कितना हमारे फिफ्टीन कंट्रीज से अलग अलग आ रहे हैं दैट इज आर यूके ब्राजील हंगरी मैक्सिको साउथ अफ्रीका श्रीलंका रुवांडा पार्टिसिपेट दिस इज पहली बार हमारा स्वीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था कहां हुआ था दैट वॉज इन लंडन कब 2019 में मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर इंडिया में पहली बार हुआ है तो वो वैसे पहली बार कब हुआ है इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है जी सो दिस इज द थिंग चेन्नई में ये बेसिकली बनाया जा रहा है और इंडिया की तरफ से एट इंडियन टीम्स इसमें खेलेगी लेकिन सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात क्या है जो इंडियन टाइगर्स टीम है देखो स्ट्रीट चिल्ड्रन को तो ये टारगेट कर ही रहा है लेकिन इसमें एक और जो इंडिया की तरफ से टाइगर्स टीम जिसका नाम रखा गया है उसमें कौन से बच्चे होंगे दे आर द ऑफन एंड दोज हु आर होमलेस ड्यू टू कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन की वजह से या कुछ की वजह से भी इन्हीं बच्चों को इसमें रखा गया है ठीक है जी तो आप लोग ध्यान रखिएगा तो एट इंडियन टीम्स जाएंगे और बाकी बाहर से भी कंट्रीज से इसमें बच्चे आएंगे ठीक है जी चलिए गवर्नमेंट अप्रूव्स स्कीम फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग मैंने आप लोगों को वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में बताया था जब हमने ये पर्टिकुलरली डिस्कस किया था ठीक है तो वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है अगर मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है जो हंड्रेड करोड़ का प्रोजेक्ट है ठीक है हंड्रेड करोड़ का प्रोजेक्ट है तो क्या हुआ कि मार्केट से लोन्स लेने के बाद या जो कुछ कंपनीज इनमें इन्वेस्ट करती है तो मान लीजिए हमें मिलता है एटी करोड़ ठीक है कितना बच गया बीस करोड़ तो अब ये बीस करोड़ कौन देगी हमारी गवर्नमेंट ठीक है एंड दिस इज बेसिकली अ हेल्प फॉर देम ऐसा नहीं कि है कि उसको उनको वापस करना पड़ेगा कुछ भी तो ये 20 करोड़ कौन देगी हमारी गवर्नमेंट इसको हम क्या बोलते हैं इसको ही हम बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग तो अब ये जो हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है इस इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है वायबिलिटी गैप फंडिंग और इसको बेसिकली कितने ट्रांशन पे भेजा जाएगा तो पांच ट्रांशन में अलग अलग इसको भेजा जाएगा एंड जो पूरा का पूरा ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये 4000 थाउजेंड मेगा वॉट पर आर के लिए ये काम किया जाएगा 2030 31 तक ये तैयार इसका जो वो रखा गया है टारगेट एंड द पॉइंट वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 85 परसेंट जो इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है वो डिस्कॉम्स के पास चली जाएगी एंड इससे क्या होगा बेसिकली क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी देखो फिर से आ गया हमारा क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी तो हर जगह ये अब इनकॉर्पोरेट हो रहा है ठीक है so, सो धीरे धीरे अब हमारी गवर्नमेंट बिकॉज हमने कुछ टारगेट सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए ये सब चीजें अप्लाई की जा रही तो वाइबिलिटी गैप फंडिंग पहले आपसे लोगों को समझ आना चाहिए कि क्या है दिस इज रिलेटेड टू अ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ठीक है जी होता है क्या बिकॉज इसका यू होता है क्या है कि देखो अगर मान लो हमने कोई सोलर सिस्टम रखा सोलर सिस्टम ठीक है मान लो कोई भी सोलर पैनल है हमारे ठीक है तो सन कहां होगा हमारा दिन में ही होगा सिर्फ है ना तो दिन में तो आपका पूरा का पूरा जो जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी का वो चलता रहेगा लेकिन रात में तो सन नहीं होता है तो उसमें हम क्या करेंगे इन बैटरीज को हम रिचार्ज करते हैं इसी पर्टिकुलर दिन में ये रिचार्ज हो जाएंगी इसके अंदर पूरी की पूरी जो कैपेसिटी है वो स्टोर हो जाएगी और जब रात को हमें जरूरत होगी इलेक्ट्रिसिटी की तो इनसे ही पर्टिकुलरली सप्लाई की जाएगी ठीक है सो दिस इज द रीजन इसका जो बेसिकली कंसेप्ट है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का वो यही है कि दिन में आप सन से आप जो इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स आप उनको फुलफिल कीजिए और उसके बाद जो है जब हमारे पास रात आएगी तो इन दिन में ये पूरी बैटरीज रिचार्ज हो चुकी होंगी एंड उसके बाद वी विल यूज एट देम नाइट ताकि इनसे क्या होगा हमारा कुछ भी जो पर्टिकुलरली एक वो जो प्रोडक्शन है या जो फ्लो है वो नहीं रुकेगा ठीक है चलिए चैरिटी मैराथन इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और इसके लिए एक स्टेट हमारा सेलेक्ट हुआ है कौन सा केरला ठीक है तो ये जो पर्टिकुलरली मैराथन है ये काम करती है चैरिटी के लिए तो इस बार भी जो ये मैराथन के लिए हमने जो जगह डिसाइड हुई स्टेट डिसाइड हुई है दैट इज आर केरला एंड केरला में जो भी इसमें पैसा हमें मिलेगा वो पूरा का पूरा जाएगा किसके लिए हेल्थ केयर के लिए मेडिकल फैसिलिटीज के लिए तो दैट वॉज डिस्कल एंड द पर्टिकुलर थिंग किस किसने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है तो यू ए और जो हमारी जो इंडियन कम्युनिटीज है हमारी यूए में और प्लस केरला स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर इस पर्टिकुलर मैराथन को ऑर्गेनाइज करने का सोचा है ठीक है एंड द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर द चैरिटेबल कॉजेज एंड प्रोसीज एंड उसके बाद किसके लिए किसके नाम पर स्टार्ट किया गया तो दैट वॉज रिलेटेड टू अ शेख जैद बिन सुल्तान अल नयन वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यू ए पहली बार जो ये चलाई गई थी दैट वॉज इन अबू धाबी एंड दैट इज इन टू थाउजेंड वन टू प्रमोट ह्यूमैनिटेरियन एंड द चैरिटेबल मैसेजेज ठीक है सी दिस इज द डिफरेंट थिंग टैक्सेज एंड ऑल वो तो बाद के प्रोसीजर्स है ना बट ये वाइबिलिटी गैप फंडिंग क्या है बेसिकली लाइक स्टार्टिंग में आप एक कैल्प एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है गवर्नमेंट कब हेल्प करती है जब गवर्नमेंट उस चीज में क्या चीज देती थी? है कि बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज अस्टेनेबल प्रोजेक्ट ठीक है टैक्सेज इनकम टैक्स ये तो फिर बाद में देखो ये तो सिर्फ एक दिस इज अ प्रोसीजर यू कांट वर्क आउट ऑफ द प्रोसीजर वो आज आप भी कुछ स्टार्ट करोगे देन ऑल्सो यू हैव टू पे द टैक्सेज ठीक है जी बट ये दिस वॉज अ वेरी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट क्लीन प्रोजेक्ट तो जितना पैसा कम हो रहा था तो ये yes, वो अब फंड करेगी हमारी गवर्नमेंट ठीक है जी चलिए सो दैट इज रिलेटेड टू जय चैरिटी मैराथन कहां हो रही है हमारी ये केरला में का सो द नेक्स्ट न्यूज अपडेट वॉज रिलेटेड टू आर हेलो यूपीआई एंड भारत बिल पे कनेक्ट और हमने डिस्कस किया था दिस वॉज लॉन्च बाय एनपीसीआई एनपीसीआई ने बेसिकली इसको लॉन्च किया था और इन दो का नाम हेलो पी यूपीआई भारत बिल पे कनेक्ट ध्यान रखिएगा तो पहले ही हमारी हेलो यूपीआई हेलो पी यूपीआई अलाउज यूजर्स टू मेक पेमेंट बाय एंगेजिंग आपसे बातचीत करते हुए आपके रेस्टोरेंट बिल्स में या कुछ भी नॉर्मली आप इसको यूज कर सकते हैं तो नाम क्या है हेलो यूपीआई एंड ये दिस विल बी यूज्ड फॉर योर पेमेंट्स बाय एंगेजिंग द कन्वर्सेशन दूसरा है हमारा भारत बिल पे कनेक्ट तो इसको आप समझिए एलेक्सा एंड जो हमारे फोन में बोलने वाले फीचर्स होते हैं उससे तो एनेबल यूजर्स टू पे बिल्स थ्रू नेचुरल कन्वर्सेशन ठीक है तो साउंड बॉक्सेस इसमें बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हेलो यूपीआई एंड भारत बिल पे कनेक्ट क्या है हमारी एनपीसीआई द्वारा लॉन्च दो एप्स है प्लस इनमें जो नया फीचर क्या है कि वो आप लोगों से बातचीत करते हुए इसमें क्या होगा डन तो आप लोगों से बातचीत करते हुए आप लोग पेमेंट्स या जो भी इसको यूज कर सकते हैं हेलो यूपीआई एंड भारत बिल पे कनेक्ट एनपीसीआई की हमारी दो नई एप्स ठीक है जी तो देखो यहां पे भी देखा जाए तो ये भी दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह अब आपको देखने को मिलेगी है ना चलो ए यू इंडक्टेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ जी ट्वेंटी एंड दिस वॉज द बिगेस्ट अपडेट इन आर जी ट्वेंटी जब हमारा जी ट्वेंटी हुआ एंड जब सबसे बड़ी बात जब भारत ने जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी ली थी जब उसने एक्सेप्ट की थी उसी पर्टिकुलर टाइम पर ही आ, इन्होंने जो बात की थी वो बात की थी ग्लोबल साउथ के ऊपर हर जगह हम सुन रहे हैं इस टाइम पर ग्लोबल साउथ एंड उसी के अंदर उन्होंने बात की थी कि अफ्रीकन यूनियन को अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए जी ट्वेंटी में और इसका जो स्टार्ट था इसका जो इनिशिएटिव लिया था वो भी हमारे इंडिया ने ही लिया था तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने किसको इनवाइट किया था जो हेड है अफ्रीकन यूनियन के दैट इज इजाली एसोनॉमी ठीक है अब फाइनली सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का सबसे बड़ी एक थीम रही है हमेशा से तो अब जो अफ्रीका यूनियन है दैट इज बिकम अर परमानेंट मेंबर और ये सब आप लोगों को पता है दैट वाज़ द बिगेस्ट अपडेट विच वी गेट फ्रॉम एक ये और एक आई एम ई सी जो ईस्टर्न कॉरिडोर है दे वर द टू बाकी काफी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई है बट येस दिस वॉज द फर्स्ट थिंग परमानेंट मेंबर कौन बना है हमारा अफ्रीकन यूनियन ठीक है एंड उसके बाद भी कौन सी कितनी कंट्रीज हमारी है? और छोड़ो दैट वॉज अ पार्ट ऑफ द हमने किसमें ब्रिक्स में हमने एक और चीज देखी दी अपडेट ध्यान रखिएगा ब्रिक्स के अंदर वी हैव कितनी कंट्रीज के इंक्लूजन की बात हुई है बता दीजिए ब्रिक्स के अंदर सिक्स न्यू कंट्रीज की बात हुई है कि अब देखो ये अलग अलग चीजें हैं तो ध्यान रखिएगा जी ट्वेंटी में हमारा कौन ऐड हुआ है अफ्रीकन यूनियन एड ब्रिक्स के अंदर हमने क्या देखा कि अब हमारी कितनी होंगी छह कंट्रीज ठीक है चलो जी so this is the news I was talking about the one more update from which we got from our G20 the partnership for global infrastructure and investment and that was our India Middle East Europe economic corridor so basically India ko Middle East से और Europe से connect करने के लिए ये बहुत बड़ा एक step लिया गया इस corridor की बात की गई और अब इसको बनाया जा रहा है पहली चीज तो क्या करेगा ब्रिज पोर्ट्स अक्रॉस टू कॉन्टीनेंट्स वुड मेक इट ईजियर टू ट्रेड एक्सपोर्ट क्लीन एनर्जी एक्सपेंड एक्सेस टू रिलायबल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी तो देखो अगर हम देखें जो हमारा मिडल ईस्ट वाला एरिया जो हमारा गल्फ रीजन है बेसिकली वहां पे ऑयल उनके पास ऑयल रिजर्व बहुत ज्यादा है ठीक है तो वो उसी के ऊपर पर्टिकुलरली काम करते हैं उनका जो पूरा का पूरा ट्रेड है उनका जो इकॉनमी है वो डिपेंड करती है लेकिन जब ऐसा कोई हमारा आ, जो कॉरिडोर पिक्चर में जब आता है तो हमें क्या मिलता है उनके पास भी एक ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए और ये उनके लिए फायदा और हमारे लिए भी वी ऑल्सो गॉट अ नेक्स्ट न्यू मार्केट फॉर आर ट्रेड एक्सपोर्ट नाउ वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू आर यूरोप अगर देखो ये मैप देखो सो दिस दिस इज बेसिकली ये रहा हमारा इंडिया है ना दिस इज आर इंडिया दिस इज आर पर्टिकुलरली गल्फ रीजन एंड ये रहा हमारा यूरोप एरिया ठीक है तो देखो दीज जा रही को थोड़ा ध्यान रखना हाइफा है इसराइल का पोर्ट है अलहदिता तो एक चीज ध्यान रखिएगा जो भी ये पोर्ट्स हैं कुछ जैसे रियाज साउदी अरेबिया में कुछ जगहों के नाम या जो कुछ पोर्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट इस उसमें आएंगे वो आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है जैसे जाबेल अली दैट इज इन ठीक है अल घुफैथ दैट इज ऑल्सो यू ए या हर इंडिया में मुंबई को इसमें कंसिडर किया गया है पायरियस इज ऑफ अ ग्रीस तो बेसिकली देखो कैसे इंडिया से चलता हुआ और ध्यान रखिएगा दिस विल बी अ एक तो इसमें होगा क्या हमारा सी रूट एंड वन विल बी रेल नेटवर्क एंड देन इट इज आर ऑफकोर्स हमारा रोडवेज तो है तो जैसे इंडिया से देखो ये बीच में क्या आया हमारा दिस इज आर सी रूट उसके बाद रेल नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एंड देन अगेन अ सी रूट तो बेसिकली दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द ट्रांसपोर्ट सी रूट प्लस हमारा कौन सा दैट इज आर रेल नेटवर्क दिस इज द बेसिकली कनेक्टिंग तो क्या कनेक्ट कर रहा है ये इंडिया टू द गल्फ रीजन एंड जो हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है दैट इज कनेक्टिंग गल्फ रीजन टू द इंडिया एंड द नॉर्दर्न कॉरिडोर जो बनेगा दैट विल बी गल्फ रीजन टू द यूरोप ठीक है तो ये रहा हमारा इंडिया इंडिया से चले गल गल्फ से हम कहां पहुंच जाएंगे यूरोप में ठीक है जी सो दिस इज द बेसिकली पॉइंट चलिए नेक्स्ट इज आर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर यही हमने देखा जो हमने बोला सो दिस सेम न्यूज तो होगा क्या स्टेबल इंटरनेट एंड अनलॉक सस्टेनेबल इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ देखो कभी भी क्या है कि जब ट्रेड जैसे मैंने आपको भी समझाया आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज खोलता है फॉर योर ट्रेड एंड ऑल एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा स्टेबल इंटरनेट की जो अंडरलाइन जो सी केबल्स हमारी बिछती हैं उनमें भी ये हेल्प करेगा ठीक है दिस इज द पॉइंट एंड रेलवे एंड शिपिंग कॉरिडोर बनेगा तो जैसे मैंने आपको अभी इस मैप को ध्यान रखिएगा जब भी आपको आई के बारे में ध्यान रखना है तो दिस मैप बिकेम अ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू कि इंडिया से गल्फ रीजन गल्फ रीजन से हम यूरोप पहुंचेंगे ठीक है तो दिस मैप इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम पर्सपेक्टिव चलिए Now, वन मोर अचीवमेंट what वी got इन दैट दैट was अ ग्लोबल बायोफ्यूल alliance. ठीक है तो सिंगापुर बांग्लादेश इटली यूएसए एंड ब्राजील अर्जेंटीना मॉरिशियस एंड यू ए इन सब ने मिलकर क्या लॉन्च किया बायोफ्यूल अलायंस जैसे कि नाम ही दर्शाता है तो हमें यहां से भी क्या आ गया वंस अगे ग्रीन टेक्नोलॉजी ग्रीन इकोनॉमी सब चीजें इसी में तो बायोफ्यूल अलायंस है तो लॉन्च किस किसने किया मिलकर ध्यान रखिएगा सिंगापुर बांग्लादेश इटली यूएसए ब्राजील अर्जेंटीना मॉर्शियस एंड यूएई टू एक्सपीरियंट ग्लोबल अपटेक ऑफ बायोफ्यूल्स बायोफ्यूल्स को अब बढ़ाने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ सस्ते जैसे कि जैसे हम बोलते हम जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग्स भी हम पढ़ते हैं तो ये सारे बायोफ्यूल्स हैं कैसे हम जो पर्टिकुलर जो हमारे रिसोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल डीजल हम यहां से हट के बाकी चीजों में जाना चाहते हैं तो वही है कि अब जो बायोफ्यूल का हमारा यूजेज है इसको बढ़ाने के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा अपने डेली रूटीन्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए तो इन सब कंट्रीज ने हमारा टाइप किया है ठीक है और ये जो पर्टिकुलरली अलायंस रहेगा दैट विल आल्सो एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज एंड एन एक्सपर्ट अब हाँ, एम्स एम देखो इसका क्या है टू सर्व एज अ कैटालिटिक प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रिंग ग्लोबल कलेबोरेशन फॉर द एडवांसमेंट एंड वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर टाइम में हर किसी का जो ग्रीन इकोनॉमी ग्रीन क्लाइमेट क्लाइमेट को बचाने के लिए जो भी हमारे काम है उसी चीज के लिए बायोफ्यूल की एडवांसमेंट नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने के लिए और अपने बेसिकली डेली उसमें कॉर्पोरेट करने के लिए ये पर्टिकुलर हमारी जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है इसके लिए काम करेगी ठीक है जी चले ऑल गोइंग गुड सब ठीक क्लास इज गोइंग गुड येस नो कुछ बोल दो बता दीजिए एवरीथिंग इज गुड बड़े आगे लेट्स स्टार्ट अगेन गोइंग गुड चलो जी फाइन चलो चलते हैं नेक्स्ट पे सो पेप्शन ऑफ द न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन एंड बेसिकली जब हमने डिस्कस किया था दैट्स गुड तो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन क्या था हमारा बेसिकली जहां पे हमने क्या डिस्कस किया था कि जी ट्वेंटी में बहुत सारी समिट्स में अलग अलग जगह कॉन्फ्रेंसे चल रही थी पूरी इंडिया में तो उन सबका जो फाइनल रिजल्ट था उसका नाम क्या दिया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एंड इसको फाइनली अडॉप्ट भी कर लिया गया एक्सेप्ट कर लिया गया and ऐसी बात नहीं है इवन उसके बाद भी जो हमने अपडेट्स देखी जी ट्वेंटी की इंडिया की प्रेजिडेंसी दैट वॉज ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसके बाद इवन कुछ सर्वेस कंडक्ट किए गए तो जी ट्वेंटी में इंडिया ने अपनी प्रेजिडेंसी को बहुत ही अच्छे से निभाया यह पूरे वर्ल्ड वाइड का कहना है ठीक है जी सो येस अडॉप्शन ऑफ अ न्यू दिल्ली इज अ न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन यूनाइटेड इन कंसेंसेज एंड स्पिरड वी प्लेज टू वर्क कलेबोरेटिवली सेम बात सबका साथ सबका विकास हम सब एक साथ काम करेंगे अ बेटर मोर प्रोस्पेरियस एंड हारमोनियस फ्यूचर अच्छे फ्यूचर के लिए हम सब मिलके काम करेंगे यस मैम फुल पावर दैट्स गुड फुल पावर होना चाहिए करेक्ट चलिए जी देन मेन्शन ऑल स्टेट रिफॉर्म फॉर्म और बेसिकली देखो जब यहाँ पे स्टेट्स की बात की इट इज नॉट हमारे इंडिया के स्टेट हर एक कंट्री को स्टेट्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है एंड द पॉइंट इज व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि हम सब मिलकर काम करेंगे और ऐसा नहीं है हम आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ठीक है हम कोई टेरिटोरियल जो हमारी जगहों के पीछे हम बेसिकली बाउंड्रीज के पीछे लड़ते हैं वो नहीं हम करेंगे टेररिज्म के अगेंस्ट हम अगर एक कंट्री पे अटैक होगा तो वी विल स्टैंड फॉर यू इन सब चीजों पर हम सब मिलकर बात करेंगे तो बेसिकली सिंपल चार वर्ड्स में समझा जाए तो क्या सबका साथ और सबका विकास जो कि हमारे मोदी जी जब अपॉइंट हुए थे पहली बार प्राइम मिनिस्टर तब से उनका ये नारा है नो डाउट ही ऑल्सो प्रूव द बेटर फॉर दिस सबका साथ सबका बिकॉज लेकिन ये जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी ऑफ इंडिया वॉज रियली अकमेंडेबल जॉब एंड वॉज अपलोडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके बाद हमारे कुछ सर्वे भी हुए थे चाहे वो हमारे मोदी जी के ऊपर पर्टिकुलर सर्वे हुआ था दैट इज रिलेटेड टू सर्वे ठीक है तो सर्वे में मोदी जी को भी काफी अच्छी रैंकिंग्स मिली थी सो यस दैट वॉज द थिंग सो काफी अच्छी हमारी इंडिया की प्रेसिडेंसी रही है यस इट वॉज अ बिग माइल स्टोन नो डाउट इन दैट चलिए तो इसमें क्या क्या हमारा डिस्कस हुआ था प्रमोटिंग अनरिस्ट्रिक्टेड ओपन एंड फेयर ट्रेड बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला है मैं बहुत बार आपसे डिस्कस करती हूं जब भी ऐसी कोई सबमिट या ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो मेन जो पहला एक क्या किया जाता है बाकी सब चीजें सबसे पहली चीज होती है ट्रेड बिकॉज इकॉनमी है तो एम्पायर है इकॉनमी है तो स्कीम्स है इकॉनमी अच्छी है तभी हम अपनी जनता को हेल्प कर सकेंगे सबसे बेस क्या है इकॉनॉमी इकॉनॉमी अगर अपने आप में बिकॉज अगर यूएस भी अगर उतने डेवलप स्टेट में है तो क्यों ड्यू टू इट्स इकॉनमी इकॉनमी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता बिकॉज यू नीड दैट यू नो दैट इकॉनॉमी यू नीड बिकॉज फॉर पर्टिकुलर देश के लिए काम करना है देश को आपने एक लेवल पे पहुंचाना है आपकी इकॉनमी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इफ यूर इकॉनमी स्ट्रॉग देन एवरीथिंग विल बी ऑन यूर लाइन ठीक है लेकिन अब उसके साथ अब हम जैसे हम देख रहे हैं कि इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है लेकिन अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो भी इश्यू है सो so yes, अब इन दोनों चीजों को हमें साथ लेके बढ़ना है कि इकोनॉमी विद आर क्लाइमेट एंड दैट विल बी आर सस्टेनेबल फ्यूचर मैं आपको बार बार कहती हूँ कि सस्टेनेबल जो वर्ड है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आज के टाइम पे कुछ भी स्टार्ट किया जा रहा है तो पहला ध्यान रखा जा रहा है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सस्टेनेबल होना चाहिए ठीक है जी चलिए एंड दैट इज रिलेटेड टू रिफ्रेड फ्रॉम इंपोजिंग एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन हम एक दूसरे के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन न लगाए रिलेटेड टू ट्रेड ओनली अलाइंडिंग फाइनेंशियल फ्लोज विद क्लाइमेट देखा आ गया वापस से क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखा जाए एक्सपेंडिंग फाइनेंस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम बढ़ाएं और सब हम कैसे मिलकर ही काम करें चले जी सो दैट वॉज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर आरबीआई सेटअप आरबीआई डिजिटल इनोवेशन पवेलियन तो आर बी आई ने भी एक अपना पवेलियन सेट किया था टू सॉरी आरबीआई डिजिटल टू शो के डिजिटल इनिशिएटिव जो हमारे कंट्री में डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके लिए पर्टिकुलरली आरबीआई ने हमारा एक पैनल वहां पे पवेलियन सेट किया था जिसके अंदर पांच बेसिकली उन्होंने अपने डिजिटल इनिशिएटिव बताए थे पहला क्या था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पहला वो ये ध्यान रखिएगा नाम आपसे पूछे जा सकते हैं यूजर्स कैन डाउनलोड वॉलेट यूज फॉर एनी ट्रांजेक्शन एंड इट्स इज इनऑपरेबल इंटरऑपरेबल विद द यूपीआई आप चुप वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप यूपीआई के साथ उसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वॉज यूपीआई वन वर्ल्ड देन रुपे ऑन द गो भारत बिल पेमेंट सिस्टम एंड द पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर द फ्रिक्शनलेस क्रेडिट हैव ऑल्सो बीन डिस्प्लेड तो दिस वॉज अ वेरी बिग थिंग विच वॉज डिस्प्लेड बाय आर आरबीआई एंड देखिए जो जिसमें यूपीआई वन वर्ल्ड था दैट इज फॉर जैसे कि आप हमने बाकी डिस्कस किया यूपीआई वन वर्ल्ड यूजर विल बी ऑन बोर्डर टू यूपीआई अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप यूपीआई के ऊपर जा सकते हैं एंड यू कैन हैव द थिंग्स रुपए गो ऑन गो इनिशिएटिव अलाउ कस्टमर्स टू कैरी आउट कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट जो तो अपने एक्सेसरी चाहे अपने वॉचेस पहनी है रिंग पहनी है उसके थ्रू आप कैसे पेमेंट्स कर सकते हैं सो भारत बिल पेमेंट सिस्टम फैसिलिटीज क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट तो हमने पांच देखे CBDC की जो हमने देखे हमने क्या बोला वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं एंड दिस विल बी इंटर ऑपरेबल विद द यूपीआई कनेक्टेड विद द यूपीआई देन इट इज यूपीआई वन वर्ल्ड जिसमें आप क्या कर सकते हैं बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप यूपीआई का चीज देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट इज रुपे ऑन गो इनिशिएटिव जो अब कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट्स के ऊपर काम करेगा जैसे नॉर्मल वॉचेस को आप कनेक्ट कर सकते हो सो दैट वॉज द थिंग जो उन्होंने बात की है उसमें एंड द भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो कि क्रॉस बॉर्डर जो है हमारी पेमेंट्स को एफिशियंट करेगा ठीक है सो दैट वॉज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट तो आप लोगों को इनके नाम पता होना बहुत जरूरी है बिकॉज बाकी तो जब भी पिक्चर में आएंगे वी विल डिसाइड बट इज हमें इनका नाम पता होना बहुत जरूरी है ठीक है नाउ दिस वॉज अ वन कॉमेट जिसका नाम है निशिमुरा तो ये ग्रीन कॉमेट हमें देखने को मिला तो निशिमुरा क्या है हमारा कॉमेट मैंने आपको पहले भी कहा था जब हमने डिस्कस किया था क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर कॉमेट का नाम ठीक है So, चार सौ साल बाद ऐसा कुछ हमें देखने को मिला है तो बट नाम क्या है दैट अ ग्रीन कॉमेट चलिए सो दैट वॉज जस्ट रिलेटेड टू दिस हाँ इसमें हमने कुछ चीजें देखी थी कि नर्दन हेमिस्फेयर में पहले और सर्दर्न हेमिसफेयर में एंड ऑफ दिसंबर में हमें देखने को मिलेगा चलिए सुप्रीम कोर्ट विल कम अंडर नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड तो जुडिशियल डाटा ग्रिड बेसिकली क्या है मैंने आपको बोला था कि जो भी हमारे केसेस होते हैं या जो उसके आगे की जो प्रोसीडिंग्स होती है उन सब का डाटा एक जगह पे रखना इसको हम क्या कहते हैं जुडिशियल नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड हालांकि इसमें हाई कोर्ट या नॉर्मल जो बाकी कोर्ट्स थे उनको इंक्लूड कर किया गया था बट अब सुप्रीम कोर्ट विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर ग्रिड ठीक है जी तो उससे बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो क्या है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है अब हमारा और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा नॉर्मली आप लोग भी देख सकते हैं कि प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही हैं व्हाट इज द डाटा बी प्रेजेंटेड क्या उसमें एविडेंसेस दिए गए तो इन सब चीजों पे इनको अप्लाई uh, किया जाएगा और क्या है ये बेसिकली नेशनल जुडिशियल ग्रिड दिस इज अ अपॉजिटरी ऑफ डाटा ठीक है जी तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा इसमें अब सुप्रीम कोर्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया है चलिए भारत बिकम्स थर्टींथ कंट्री टू इश्यू ओ आई एम एल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मिटोलॉजी सर्टिफिकेट तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी चीजें हम वेट या लेंथ इन सब मेजर्स करने के लिए करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं अगर आपको उनमें सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसमें सर्टिफिकेशन होती है ओ आई एम एल की ठीक है सुनाओ जैसे ओ एम एल है तो अब भारत भी सर्टिफाई कर सकता है इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इससे देखो दो चीजें हैं इससे भारत को क्या फायदा होगा पहला फायदा तो क्या हुआ कि जो बाहर की कंट्रीज है वो भी अपनी जो इक्विपमेंट्स आके हैं वो यहाँ पे सर्टिफाई करा सकते हैं। तो एक तो ये आपके रेवेन्यू जनरेट होगा बिकॉज ऑफ़ कोर्स देर विल बी सम बेसिक फीस कुछ प्रोसेस होगा तो येस यू विल गेट टू वन एक और आपको पैसे का जो एक रेवेन्यू जनरेट करने का आपको एक और ऑप्शन मिल गया एंड द सेकेंड थिंग इज जो हमारे देश के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो नॉर्मली ये चीजें बनाते हैं वो पैल एव ओएमएल का कहां से सर्टिफिकेशन मिलता था बाहर जाके अब वो अपने देश में ही जो नॉर्मल लेवल पे भी काम करें वो भी सर्टिफाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को एंड उसके बाद उनके लिए भी एक ज्यादा ट्रेड ऑफ एक वाइड मार्केट ओपन हो गया बिकॉज जब आप अपने देश में ही सर्टिफिकेशन ले सकते हैं तो आपको उसको बेचने में या बाहर उसको भेजने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सो दैट वॉज द थिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्स कैन गेट दियर वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टेस्टेड इन भारत एंड सेल इन इंटरनेशनल मार्केट यही आप सर्टिफाई कराओ करा। इंडिया में आपको बाहर भेजने की जरूरत नहीं है एंड आप उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में आप सर्टिफाई कराने क्योंकि अगर सर्टिफाई हो जाएगी तो आपको टेंशन नहीं है ठीक है नाउ योर इक्विपमेंट इज रेडी टू बी सोल्ड इन अ मार्केट ठीक है तो ये हो गया क्रिएट फैसिलिटी फॉर इंटरनेशनल मैन्युफैक्चर्स टू गेट इक्विपमेंट टेस्टेड इन भारत अब क्या होगा कि बाहर से जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि बाहर की कंट्री से लोग आके भी आपके पास टेस्ट करा सकते हैं ठीक है जी ओके नेक्स्ट इज देखो ओएमएल के बारे में अगर हम जाने तो ओएमएल एस्टेब्लिश की गई थी नाइनटीन वाई में भारत मेंबर बना था 1956 में और इंडिया के अंदर अगर कोई काम करता है इसके लिए दैट इज आर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स तो ये सब चीजें कौन देखता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है जी चलिए so, ये नाम आप लोग सब जानते होंगे साइंटिस्ट, yeah, इनका नाम जोड़ा जाता है जो कि क्लोनिंग हुई थी शीप के नाम क्या था डॉली द शीप ठीक है तो इनकी डेथ हुई थी तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है इनका नाम आयन वॉलमट विलमट सॉरी ठीक है तो इनका नाम किसके एसोसिएटेड है डॉली द शीप के साथ ठीक है तो इन्होंने डेजिग्नेट किया था पहले नाम सिक्स एल एल थ्री इसका उसके बाद जब फाइनल उसमें जो नाम दिया गया था दैट वाज द डॉली शीप और ये किसके आफ्टर था एक डॉली पैथ्रॉन सिंगर है उनके नाम के ऊपर इस नाम को रखा गया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आयन विलमिट नाम जो कि रिलेट करता है डॉली द शीप से ठीक है जी चलिए नेक्स्ट इज और तोरखम बॉर्डर तो तोरखम बॉर्डर हम किसके बीच में हमने डिस्कस किया था बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ये बेसिकली बंद रहा था कुछ टाइम के लिए अपडेट इसके रिलेटेड रहता है जो ड्यूरेंट लाइन है उसके ऊपर यह बेसिकली बॉर्डर बना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन और ये किस किसके बीच में है सो सी दिस इज आर अफगानिस्तान दिस इज आर पाकिस्तान दिस इज आर ड्यूरेंट लाइन एंड दिस इज आर वॉट तोरखा बॉर्डर ध्यान रखिएगा ठीक है so, सो किसके बीच में है ये दिस इज बिटवीन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हुआ क्या था बेसिकली कुछ वहां पे आग लगी थी कुछ अफगानिस्तान के केस में अफगानिस्तान वाली पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था एंड एक हफ्ते के लिए लोगों का पैसेज है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है ठीक है जी सो so, ध्यान क्या रखना हमें सिर्फ इसका मैप लोकेशन एटलीस्ट इंक्लूड हुई सबकी डेली प्रैक्टिस में जब बच्चों ने इंक्लूडेड योर एटलस वाला पार्ट की नहीं अभी भी चलो चलते हैं आगे लेट्स सी द नेक्स्ट वन सो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ फायर हुई आग लगी थी उसके बाद से इन्होंने बंद कर दिया था बट अब ये ओपन है नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू आर यशोभूमि कहां पे बनाई गई दैट इज इन आर द्वारका क्या है ये इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर दैट्स गुड इफ यू हैव स्टार्टेड विद द मैप्स दैट इज अ रियली वेरी गुड जॉब ठीक है तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर ये बनाया गया है यशोभूमि जिसका कहां पे है ये द्वारका में बेसिकली जो भी हमारे इंटरनेशनल लेवल की हमारी जितनी भी मीटिंग्स होती है कॉन्फ्रेंसिस होती है उनको ध्यान रखते हुए इस पर्टिकुलर को बनाया गया है एंड ये क्या है हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट एम फैसिलिटीज में इसका भी नाम आएगा ठीक है बिकॉज इट इज अ वेरी वाइड तो स्टैंड फॉर एम का मतलब क्या है मीटिंग्स इन सेंटिव एंड एग्जीबिशन तो कहां बनाया गया है ये द्वारका दिल्ली में और उसी के साथ जो दिल्ली एयरपोर्ट मे मेट्रो एक्सप्रेस लाइन है उसको भी कनेक्ट किया गया इसके साथ ठीक है जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है मेन कन्वेंशन सेंटर की वो है अराउंड सिक्स थाउजेंड गेस्ट इवन इसके अंदर एक और हॉल है उसकी कैपेसिटी अराउंड इलेवन थाउजेंड गेस्ट एक टाइप पे ये बिठा सकते हैं ठीक है जी सो दैट वॉज रिलेटेड टू दस चलिए नेक्स्ट इज आर यस बैंक एंड ब्रिस्क पे का कोलेबरेशन तो ऑक्सफोर्ड एटलीस्ट कोई चक्कर नहीं आप किसी से भी करो ऑक्सफोर्ड इज अ गुड एटलीस्ट Yes, तो ट किया है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता था अगर वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते थे तो वो दूसरी में होती थी और उन तक आने तक जो उनके रुपए में कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब क्या है इनका जो कोलेब्रेशन हुआ है विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आपको जो भी पेमेंट दूसरी करेंसी में आई होगी रुपी में कन्वर्ट होकर आपके खुद के अकाउंट में आ जाएगी ठीक है सो so इसके अंदर क्या हुआ है थर्टी सिक्स फॉरन करेंसी को इंक्लूड किया है और इसकी वजह से वन एटी कंट्रीज को के साथ आप लोग डील कर सकते हैं तो इन अ सिंगल बिजनेस डे यू विल गेट योर पर्टिकुलरली पेमेंट किस में कोलैबरेशन है दैट इज एन यस बैंक एंड अ ब्रिस्क पे के बीच में ये कोलेबोरेशन बेसिकली किया गया है तो इससे क्या होगा जो स्मॉल लेवल के जो स्मॉल माइक्रो लेवल के जो ब्रिजनेस होते हैं वो लोग भी अब क्रॉस बॉर्डर पे काम कर सकते हैं चलिए सो नाउ दिस वॉज और रिलेटेड टू अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट तो ये हम लोगों ने डिस्कस की थी पहले भी ठीक है तो किस किस को मिला है हमें दो पे मिला है वन इज आर शांति निकेतन एंड वन इज आर सेक्रेडेंला टेम्पल इन दोनों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है दिस इज ए नार कर्नाटका एंड शांति निकेतन कहां है बता दो शांति निकेतन एंड शांति निकेतन बनी थी हमारी फोर्टी फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज और कौन सी बनी थी फोर्टी सेकेंड यूनेस्को हेरिटेज ठीक है जी सो दिस वॉज द अपडेट तो मैं ही बता देती हूं आप लोगों को डन तो कहां आया था शांति निकेतन ये दैट इज एन आर वेस्ट बंगाल में है पहले 1901 में ये इसको स्टार्टिंग हुई थी वहीं पे हमारी जो एक और यूनिवर्सिटी है विश्व भारतीय शांति निकेतन को जो याद किया जाता कोलकाता चलिए तो सबसे पहले जो शांति निकेतन की स्टार्ट की थी वो हुई थी हमारी बेसिकली स्कूल से ठीक है स्कूल के बाद वहां पे 1921 में हमारी विश्व भारती जो कि यूनिवर्सिटी आज के टाइम पे वो पिक्चर में आई थी चलिए इंडियर नेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट और ये कहां पे होने वाली है 2027 में होगी कहां पर दिल्ली में दिस इज वन ऑफ द एक सीमेंट और कंक्रीट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी ये कॉन्फ्रेंस मानी जाती है वर्ल्ड वाइड में इंडिया ने इसकी बिड जीत ली थी वहां पे कौन कौन गया था इंडिया की तरफ से नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट विद आई दिल्ली ये दो इंस्टीट्यूट लेकर गए थे अपनी प्रेजेंटेशन एंड फाइनली इंडिया ने बिड जीत ली है एंड अब कब होगा हमारा यहाँ पे नाउ इट विल बी हेल्ड इन 2027 थाउजेंड अभी जो चल रही थी दैट वाज इन बैंकॉक एंड थाईलैंड कहां हो रही थी ये सोलहवीं थी अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर ठीक है इंडिया ने किसको डिफीट किया था इसमें स्विट्जरलैंड एंड यू को अब कब होगी 2027 में मैंने पहले उस दिन भी आपको कहा था कि यू विल बी इन योर पोजिशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम एग्जाम क्लियर करके है ना चलिए सो दिस वॉज वन चार्टर साइंड बिटवीन थ्री अफ्रीकन कंट्रीज कौन कौन सी माली बुर्किना फासो एंड नाइजर ठीक है जो इन तीन के बीच में बेसिकली जैसे हम नाटो को देखते हैं वैसे इन तो तीनों के बीच में भी ये चार्टर साइन किया गया है नाम क्या है लिप्टाको गोरमा और इसका सारा का सारा रीजन क्या है कि इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों परस्पेक्टिव को ध्यान रखते हुए ये इस पर काम करेंगे ठीक है जी अब म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है और इसमें भी इन्होंने एक चीज क्या ध्यान रखी है कि अगर जैसे नाटो में हमें पता है कि अगर एक पे अटैक किया गया तो बाकी ऐसा माना जाएगा कि हम सब पर अटैक है तो इसमें भी यही है कि हम तीनों एक दूसरे के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे मिलिट्री में भी इकोनॉमिक में भी ट्रेड में भी एवरीथिंग विल बी इंक्लूडिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन तो ये रहा आपका माली ये रहा आपका बुर्किना फाजो एंड दिस इज आर नाइजर दिस इज अ मैप ठीक है रिलेटेड टू इन तीन और ये रीजन कौन सा है हमारा बेसिकली साहिल रीजन साहिल रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं बिकॉज दे आई हर वक्त ये न्यूज में रहता ही रहता है ठीक है जी तो दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर तो क्या क्या है अलायंस ऑफ दिल स्टेट्स की जाएगी कलेक्टिव डिफेंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द पॉपुलेशन तो मिलिट्री इनका बेसिकली म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बोल रहा जा रहा है लेकिन बाकी चीजों पर भी इसमें काम किया जाएगा ठीक है चलिए इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस और ये पहली बार हेल्ड की गई तो इसको एड्रेस किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था थीम क्या थी इस बार की एमर्जिंग चैलेंजेस इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ठीक है जी दिस कॉन्फ्रेंस कहां पे पर हेल्ड हुई थी हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी बोला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट बोला जाएगा बट किसने ऑर्गेनाइज की थी दिस वॉज द फर्स्ट टाइम बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या क्या इसमें डिस्कस हुआ लीगल प्रिंस चैलेंजेस इन द द्रक्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन लीगल टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल लॉ ये सब चीजें इसमें डिस्कस की गई ठीक है जी तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका प्लेटफॉर्म फॉर मीनिंग फुल डायलॉग एंड डिस्कशन प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रेंथ द इंटरनेशनल कॉपोरेशन तो इन सब चीजों पे मिलकर काम किया जाएगा का? इंपॉर्टेंट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस वॉज पर्टिकुलरली हेल्ड तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल न्यू डेली में इसको कंडक्ट किया गया ठीक है जी सो so, ध्यान रखिएगा नेशनल मेडिकल कमीशन गेट्स ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम होम वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन बोलने का मतलब ये है दस साल का इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला है हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन को तो नेशनल मेडिकल कमीशन बेसिकली इंडिया के अंदर काम करता है जितना भी हमारा मेडिकल एजुकेशन है उसके बाद जो प्रैक्टिस है सारा का सारा काम ये देखता है वैसे वर्ल्ड लेवल पे कौन देखता है डब्ल्यू एफ एम ई वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन अब हमारी इंडिया की जो है नेशनल मेडिकल कमीशन इसको मिल चुका है रिकॉग्नाइजेशन दस साल का अब अगर आप लोगों ने यहां से अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू किया है तो अब आप बाहर जाके भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और जो फर्दर ट्रेनिंग पीरियड होता है आप इसको परस्यू कर सकते हैं सो एग्जाम्पल्स भी दिए हुए थे पोस्ट ग्रेजुएशन एंड प्रैक्टिस यूएस कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बाकी कंट्रीज भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे ठीक है तो इस पर्टिकुलर टाइम पे 706 मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया के जो डब्ल्यू एफ एम से क्रेडिट हो गए हैं अब कोई और नया मेडिकल कॉलेजेस आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी उसके साथ शामिल हो जाएंगे ठीक है जी

साइन कर दिया एंड वी नो जब प्रेसिडेंट साइन कर दे तो बिल से क्या बन जाता है वो लॉ बन जाता है सो so नाउ नारी शक्ति वंदन ना इसमें और इसका जो जो हमें फैक्टर्स आप लोगों को पता है सीट्स रिजर्व की जाएंगी महिलाओं के लिए लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली चीज पंद्रह साल के लिए इसको अप्लाई किया जाएगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी इसको अप्लाई किया जाएगा और दूसरी बात जब अब अगला डिलिमिटेशन होगा जो कि कब होने वाला है 2026 में उसके बाद ही इसको अप्लाई किया जाएगा और ऑन द रोटेशन बेसिस पूरे के पूरे स्टेट्स में ये रिजर्वेशन को अप्लाई किया जाएगा सो so ये सोरे सारे कुछ कुछ चीजें थी आपको विमेन रिजर्वेशन अभी ये लॉ बन चुका है डिज नॉट बिल नाउ दिस पर्टिकुलरली इज नॉट अ बिल दिस इज अ लॉ क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ने कल ही इसको असेंट दे दिया है ठीक है जी चलिए सो so, स्वाति नायक इनको क्या मिलने वाला है हमारा नॉर्मन बोर्लो फील्ड अवार्ड कल भी मैं आपसे डिस्कस कर ही रही थी तो इन्होंने क्या बनाया है ड्रॉट टॉलरेंट राइस वराइटी जिसका नाम क्या था धान तो शाहभागीधान धान है तो इसके लिए बेसिकली इनको क्या मिल रहा है नॉर्मन बॉर्लो अवार्ड तो पर्टिकुलरली ये क्या भी काम कर रही है कहां पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलिपाइंस में भी ये काम कर रही है प्लस ये अवार्ड किसके भी नाम पे है दैट इज द नॉर्मन बोर्लो एंड वी नो हमारी अभी परसों ही किसकी डेथ हो गई हमारे जो इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं दैट इज द एम एस स्वामीनाथन अब वो नहीं रहे हैं हमारे बीच में ब्रट इज yes, उनकी जो लेगेसी है ऑफकोर्स वी विल कंटिन्यू जो उनके पढ़ाए हुए बच्चे साइंटिस जो भी हम लोगों ने आज तक सीखा है दैट वी विल ऑलरेडी ठीक है वी विल डिस्कस दैट ठीक है जी चलिए ओके आई एव सीन वन See, साहिल रीजन क्या है ना? वो साहिल रीजन इज बेसिकली अफ्रीका का एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे डेजर्ट रीजन है ठीक है आई थिंक वीडियोस बनी होंगी तो साहिल रीजन बेसिकली एरिया इन अ पर्टिकुलर कहां पर हमारा अफ्रीका के बीच में एरिया जो सारी कंट्रीज वहां की जो कुछ कंट्रीज को कवर करता है डिजर्ट एरिया टाइप है ठीक है जी सो दैट वॉज रिलेटेड टू साहिल एरिया तो नॉर्मल बोर्लो अवार्ड किसको दिया जाता है जो अंडर द एज ऑफ फोर्टी बेसिकली काम करते हैं ग्लोबल फूड प्रोडक्शन और उसमें ठीक है जी तो अब एम एस स्वामीनाथन जी हैं वो नहीं रहे चलिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पे है दिस वाज सेवेंथ टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश और इंडिया में हो चुके हैं अब टोटल इसको मिला के फिफ्टी फोर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी बोलते हैं एंड बिकॉज क्यों बोला गया था टाइगर स्टेट क्योंकि इनके पास पहले 526 थे तो 2018 में टाइगर्स नाउ दूस टू 785 कोई अपडेट होगा तो डू चेक मैंने उस दिन भी कहा था बट विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बिकेम अ रिजर्व एन आर मध्य प्रदेश और इसी के अंदर नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिंगोरागढ़ फोर्ट ये तीन चीजें भी इसी रिजर्व के अंदर अब से आएंगी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इनके नाम और इनकी लोकेशन कहां है ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बिकेम द फिफ्टी फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ द इंडिया एंड द सेवेंथ टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश ठीक है जी चलो नाइंथ ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम कहां होने वाला है ये? हम लोगों ने डिस्कस किया था बता दीजिए जॉन्सबर्ग में हो रहा है तो कौन जा रहा है हमारे जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के हरिवंश ही विल बी लीडिंग दिस पर्टिकुलर फोरम तो ब्रिक्स की बात आई तो इस बार कहां हुआ था समिट हमारा जॉन्सबर्ग में तो बाकी मीटिंग्स भी रिलेटेड उसी पर्टिकुलर जगह में कंडक्ट की जाती है एंड ही विल ऑल्सो चेयर अ क्लाइमेट चेंज एंड एंडिस्लेटिव मोबिलाइजेशन इन द ब्रिक्स कंट्रीज प्लस जो उनके साथ और जा रहे हैं एमएस सुमित्रा बाल में और इंद्र हंसोभा एक डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगी जो डिबेट है रिलेटेड टू हार्नेसिंग हार्सिंग मल्टीलेटर पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी तो बेसिकली अफ्रीका एंड प्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी बात की जाएगी तो नाइन्थ ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम कहां कंडक्ट होने वाला है हमारा जॉन्स साउथ अफ्रीका में ठीक है जी चलिए सो आरबीआई कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ द कपोल कॉपरेटिव बैंक कहां का है ये बैंक दिस इज अना मुंबई कॉपरेटिव बैंक है तो आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और लाइसेंस कैंसिल करने का जो रीजन था दैट वॉज रिलेटेड टू अ इनसफिशियंट कैपिटल ठीक है इनके पास उतना पैसा नहीं है कि ये डिपॉजिटर्स की जो ऑब्लिगेशन है उनको पूरा कर सके इसीलिए इनका जो पर्टिकुलरली लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया ये हमने डिस्कस किया था प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन उनको कहा गया है कि इनको इशू किया जाए नोटिस के वाइंड अप करें एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा जो कि इनके एसेट्स को मैनेज करके जो डिपॉजिट्स है उनके पैसे को भी थोड़ा सा ध्यान दे और उनको वापस दिया जाए ठीक है जी तो दैट वॉज रिलेटेड टू सितंबर मंथ न्यूज ये है आपका एशियन गेम्स का टेली जो कल तक का बेसिकली अभी तक का अपडेट अब आगे जो भी आएगा हम देखेंगे तो हमारा इंडिया पहुंच चुका है फोर्थ नंबर पे क्योंकि इंडिया को मिले हैं आठ हमारे गोल्ड मेडल्स हो चुके हैं सिल्वर है बारह

सो so, इंडिया में आठ गोल्ड ग्यारह सिल्वर और तेरह ब्रॉन्स मेडल है टोटल थर्टी थ्री इंडिया के पास हो चुके हैं हमें ऑर्डर अब देखते हैं आगे इसके बाद क्या और अपडेट्स आएंगे बट ये कल तक का अपडेट है आप लोगों के पास जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग चलिए नाउ फॉर द रिव्यू क्वेश्चन लेट स्टार्ट विद द रिव्यू क्वेश्चन आई यू रेडी फॉर दिस हां ना कुछ बोल दीजिए Let's start with the review questions. Thumbs up, yes. Thak to All going good. Let's start with the review questions then. Shall ye? Fast answers, fast discussions. Ready, 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 ready. Chalo, ji. फर्स्ट क्वेश्चन इज द हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बता दीजिए हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आर के शर्मुगम शेट्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल वासुदेव मावलकर या बलदेव सिंह इनका भी एक सेच्यू एनवेल किया गया था बता दीजिए फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर फुल एनर्जी दैट्स गुड मुझे लगा थक थकना गए एक घंटे से अब रेगुलर सुन रहे नाउ आवर मिनट्स वी आर कंटिन्यूसली डिस्कसिंग फॉर पर्टिकुलर थिंग Yes, the answer for this question is A. That is our R K Shanmugam Chetty. He was basically the first finance minister of India. C पे कहाँ पहुँच गया वासुदेव मावलकर पे? और maximum लोग C answer दे रहे हैं. We have already discussed this. चलो. Indian delegation to first World Conference on Human Rights led by पहली बार World Conference जो Human Rights पे हुई किसने led की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह फारूक अब्दुल्ला दिनेश सिंह या आलम खान हु वॉज द वन हु लेड द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन rights? डॉक्टर मनमोहन सिंह फारूक अब्दुल्ला दिनेश सिंह या आलम खान वॉट इज द आंसर बता दीजिए ओके आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आ डॉक्टर मनमोहन सिंह सो ही बेसिकली लेट द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमेन राइट चलिए ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रमन मैग से अवार्ड ही फ्रॉम इंडिया किसको मिल रहा है ये पर्टिकुलर अवार्ड डॉक्टर रमेश पटेल संजय शर्मा डॉक्टर रविकानंद या डॉक्टर मीरा कुमार हु इज द वन हु इज गेटिंग अ रमन मैग से अवार्ड फ्रॉम इंडिया चलमी वट इज आंसर जल्दी से वोट आज क्यों आप लोग इतने सोचते हैं सारे दीजिए आंसर्स फटाफट फार्ट, फार्ट आंसर्स डेली तो आप लोग बहुत फुल एनर्जेटिक मूड में आप आंसर देखते हो रिव्यू क्वेश्चन में भाई आज कहां बिजी आप लोग ये yes, करेक्ट तो आंसर इज आर सी डॉक्टर रवि कारन इनको मिला है बेसिकली किसने नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने जो हेल्थ केयर फैसिलिटी स्पेसिफिकली कैंसर केयर पर जो काम किया है उसके लिए ठीक है चलो हु इज लीडिंग द कमेटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इनमें से कौन है जो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी को हेल्ड कर रहे हैं रामनाथ कोविंद नरेंद्र मोदी अमित शाह या अनुराग ठाकुर बता दीजिए हु इज लीडिंग द कमेटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन रामनाथ कोविंद नरेंद्र मोदी अमित शाह या अनुराग ठाकुर ज्यादा लंबा हो गया सेशन वी आर रिवाइजिंग मंथली पूरे मंथ का करंट अफेयर रिवाइज करना है ना मंथली कंपाइलेशन विल बी ऑफ टू आवर्स हम लेके चलते हैं बिकॉज सी uh, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए है ना बिकॉज देखो बहुत सारे पूरे मंथ में हम रोज के न्यूज अपडेट पढ़ते हैं बट एक मंथली कंपाइलेशन का फायदा तो यू गेट अ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सो मंथली कंपाइलेशन हमेशा वी विल हैव क्लास ऑफ अराउंड टू आवर्स बीस मिनट ऊपर नीचे हो सकता है बट ये ऊपर तो नहीं होगा ऑफकोर्स बट ये लेकिन वी विल नॉट मिस एनी वंट अफेयर ठीक है जी कुछ अगर वहां से हटा तो हम कुछ क्वेश्चन में कवर कर लेंगे ये द करेक्ट आंसर इज रामनाथ कोविंद दिस पर्टिकुलर कमेटी जो कि है वन नेशन वन इलेक्शन देखो पूरे महीने की आप लोगों की भी मेहनत है आप लोग सुबह आठ से नौ बैठते हैं यहाँ पे क्लास के लिए मंथली कंपाइलेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि आपका भी एक बहुत ही अच्छा रिविजन हो जाता है यहां से है ना चलिए कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड पर पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्लांट की हमारी कितनी कैपेसिटी है 500 700 800 या सिक्स हंड्रेड बता दीजिए जो जो थैंक यू कह रहे हैं दैट इज रियली वेलकम फॉर यू आप लोग पढ़े हम पढ़ाएंगे है ना वी विल हेल्प यू इन एवरी स्पेयर जहां जहां से हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं वी विल हेल्प यू कैपेसिटी ऑफ इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड द करेक्ट आंसर इज अ सेवन हंड्रेड तो इसकी कैपेसिटी है ठीक है जी फुल कैपेसिटी में अभी स्टार्ट हो चुका है जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च रिंग बता दीजिए 2014, हजार चौदह सत्रह उन्नीस बीस टू या 2020 जल जीवन मिशन को कब लॉन्च किया गया था बता दीजिए फास्ट आंसर ओके सो यस दिस पर्टिकुलर मिशन वाज लॉन्चर इन आर 2019 और दिस वाज किस लिए हमने देखा था हमने डिस्कस किया था कि 13 करोड़ रूरल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दे चुका है इंडिया और हमने जो इसमें रखा है कि 2024 तक हम इसको अचीव कर लेंगे ठीक है चलिए हेड ऑफिस ऑफ आई आरईडीए लोकेटेड इन बता दीजिए इसका ऑफिस का है न्यू दिल्ली चेन्नई बेंगलौर या गांधीनगर हेड ऑफिस ऑफ आई आर ई डी ए इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली चेन्नई बैंगलोर गांधीनगर फास्ट आंसर ए बी सी डी ओके यस आंसर इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का हेड ऑफिस कहां है हमारा न्यू दिल्ली में मांडवी का बर्थडे आप कितने बार सेलिब्रेट करते हो ये बता दो बस मुझे मांडवी का है बर्थडे सीरियसली आप ही लिख दो चलिए टिल मांडवी विल आंसर तब तक आप आंसर दो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज अंडर द मिनिस्ट्री बी आई एस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है ये बता दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बी जो हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है बता दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली ओके मांडवी देन एडवांस माई हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माई साइड आई थिंक सबकी तरफ से इससे पहले ये सब लोग हैप्पी बर्थडे कमेंट करना शुरू कर दें मैं सबकी तरफ से आपको विश कर देती हूँ विश योर वेरी वेरी सक्सेस इन योर लाइफ बिल्कुल जी आंसर क्या है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स किसका है अंदर बी आई एस हमारी किसके अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के ठीक है चलो वन वीक वन लैब प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय कौन सी इंस्टीट्यूट ने इसको पर्टिकुलरली लॉन्च किया था इजरो सी एस आई आर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डीआरडीओरो टेक्नोलॉजी या डीआरडीओ जल्दी से बता दीजिए वन वीक वन लैब प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय इजरो सीएसआईआर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीआरडीओ वट विल बी द आंसर बिल्कुल सही तो सीएसआईआर बेसिकली लॉन्च किया था इसमें क्या था पब्लिक को इनवाइट किया गया था कि आप लैब्स में आ सकते हैं एंड यू कैन सी देर अचीवमेंट्स एंड जिन भी ऑप्शंस पे वो काम कर रहे हैं करेक्ट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप हेल्ड एट एशिया की टेबल टेनिस चैंपियनशिप इस बार कहां हुई साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया ओमान या बता दीजिए एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप हेल्ड एट साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया ओमान या अजब एशियन एशियन करीब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया ओमान या अजब आईजान वट विल बी द आंसर ओके द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज साउथ कोरिया और यहीं पे आप लोगों के आ जाएंगे कंफ्यूजन तभी मैं आपको बार बार क्या कह रही हूं कि प्लीज अपने जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक टेबल बनाइए उसमें मेंशन कीजिए कि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं वो कहां पे हैं सो so, जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी दैट वाज इन आर साउथ कोरिया ठीक है अजहरबाइजान में क्योंकि इन सभी जगह पे कुछ ना कुछ नॉर्थ कोरिया में तो ऑफकोर्स नहीं हुआ होगा ठीक है लेकिन बाकी ओमान अजहबाइजान साउथ कोरिया यू हर जगह जहां पर भी जो चल रहे हैं प्लीज इनको एक जगह ठीक है मैंशन कीजिए यू एनडब्ल्यू टी ओ वॉज फॉर्म्ड इन बता दीजिए नाइनटीन सिक्सटी फोर नाइनटीन सेवेंटी फोर नाइनटीन एटी फोर या नाइनटीन नाइनटी फोर यू एन डब्ल्यू टी ओ का फॉर्मेशन कब हुआ था वट इज द आंसर जल्दी से कमेंट कर दो ओके सो येज द आंसर फॉर आर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वॉज 1974 कमेंट करो एक बार कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब होता है अभी हमने डिस्कस किया था वन वर्ल्ड टूरिज्म डे अभी कुछ दिन पहले हमने सेलिब्रेट की है इसके ऊपर चलो हेडक्वार्टर ऑफ यू एनडब्ल्यू टी ओ कहां पे है बता दीजिए मैड्रिड स्पेन चेनेवा स्विट्जरलैंड रोम इटली या लंदन यूके ज दिस हेड क्वार्टर ऑफ यू एनडब्ल्यू टी ओर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है जल्दी बोलो मैड्रिड स्पेन जेनेवा स्विटरलैंड रोम इटली या लंदन यूके वेयर इज इट सिचुएटेड डन सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज मैड्रिड स्पेन ठीक है जी चले ओके चलो इज द क्रिएटर ऑफ इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी पहला भारत का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी किसने बनाया था देवी प्रसाद शेट्टी सुभाष मुखोपाध्याय प्रताप रेड्डी या नरेश त्रेहान हु इज द क्रिएटर ऑफ इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बता दीजिए वॉट इज द आंसर ए बी सी डी देवी प्रसाद शेट्टी ओके ट्वेंटी सेवन सेप्टेंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे ओके क्रिएटर ऑफ इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी भी बता दो जी हां आंसर क्या है सुभाष मुखोपाध्याय और इन्होंने जो नाम रखा था टेस्ट ट्यूब बेबी का दैट इज आर दुर्गा ठीक है जी चलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर इन विच फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हमारा कैंपेन है वो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था 2018, 14 या 15 या सिक्सटीन 2013-14 या yeah, 15-16 बता दीजिए फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन फास्ट आंसर ओके सो येज आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आर 2014 जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनधन योजना का लॉन्च किया था एंड दैट वाज 28 अगस्त 2014 ठीक है चलिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है दिस वॉज अ डेज वट वी हैव डिस्कस बता दीजिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे फाइव सितंबर सिक्स सितंबर सेवन सितंबर या एट सितंबर व्हेन वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे फाइव सितंबर सिक्स सितंबर सेवन सितंबर या एट सितंबर

ओके सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नाइनटीन फोर्टी सिक्स ठीक है जी तो नाइनटीन फोर्टी सिक्स में बेसिकली यूनिसेफ का फॉर्मेशन हुआ था रिसेंटली सीन इन न्यूज वॉल्टर ऑल्फ्रेड बॉज वॉल्टर अल्फ्रेड एक नाम बताइए ये क, ये कौन थे साइंटिस्ट मैथमेटिशियन जर्नलिस्ट या एक्टर बता दीजिए वॉल्टर अल्फ्रेड एक नाम तो ये साइंटिस्ट थे मैथमेटिशियन थे जर्नलिस्ट थे या एक्टर थे बता दीजिए वॉल्टर ऑलफ्रेड इनकी डेथ हुई थी सितंबर उसी में ही तो यस ही वाज अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट ठीक है तो वॉल्टर ऑल्फ्रेड कौन थे हमारे जर्नलिस्ट चलिए इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसके बर्थडे पे हम इंजीनियर डे सेलिब्रेट करते हैं एम विश्वेश्वरिया राजीव गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल या नंदन निकलेनी इनमें से किसके बर्थडे पे हम इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं यह आपको मुझे बताना है इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एम विश्वेश्वर राजीव गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल या नंदन निकलेनी बता दीजिए वट विल बी द आंसर यस बिल्कुल सही आंसर है दैट इज आर एम विश्वेश्वरिया तो दिस इज द पर्टिकुलरली आंसर इनके बर्थडे पे हम सेलिब्रेट करते हैं इंजीनियर्स डे चलिए नेशनल मेन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉर्जेन ये पर्टिकुलर जो है बता दीजिए कब बनाया गया था टू डिफेंस करंट अफेयर क्लास इज रनिंग कोई नहीं वी विल टेक केयर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम मे बी शायद कुछ uh, we'll uh, decide the timings from next that will not be happened uh, from the next time maybe daily timings is 9:00 o'clock hota hai to तो. we'll take care of this in uh, next jab bhi hum monthly compilation lenge theek hai we will take care of this chaliye to कब फॉर्म हुआ था हमारा नाबार्ड that is in our 1982 ठीक है 1982 में basically हमारे नाबार्ड की फॉर्मेशन हुई थी चलिए वर्ल्ड फर्स्ट डेंगू वैक्सीन वॉज अप्रूव्ड बाय पहली डेंगू वैक्सीन किसने अप्रूव की थी यूनाइटेड किंगडम कैनेडा मेक्सिको या फ्रांस वर्ल्ड की फर्स्ट डेंगू वैक्सीन किसने अप्रूव की थी बता दीजिए आंसर व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यूनाइटेड किंगडम कैनेडा मेक्सिको या फ्रांस ओके okay. सही तो आंसर क्या है इसका ये द मेक्सिको फॉर द फर्स्ट टाइम अप्रूव्ड आर फर्स्ट डेंगू वैक्सीन चलिए हु अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया कौन है जो मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए थे श्रेया मित्तल दिनेश कुमार सोमा संकरा या रजनीश कुमार हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया बता दीजिए आंसर श्रेया मित्तल दिनेश कुमार सोमा शंकरा या रजनीश कुमार वो वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन फॉर अ मास्टर कार्ड इंडिया बी द आंसर देखते हैं किस किस को ये चीज याद है ओके द आंसर फॉर दिस इज रजनीश कुमार इनको अपॉइंट किया गया है मास्टर कार्ड इंडिया का पहले ये एसबीआई के साथ भी चेयरमैन काम कर चुके हैं ठीक है चलिए डॉक्टर शांता थोतम इज चीफ इनोवेशन ऑफिसर ऑफ विच स्टेट एक इनको बेस्ट चीफ इनोवेशन ऑफिसर है इनको इनोवेशन उस पर अवार्ड भी मिला है तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती चीफ इनोवेशन ऑफिसर कौन सी स्टेट की है तमिलनाडु तेलंगाना उड़ीसा या न्यू दिल्ली डॉक्टर शांता थोतम इज चीफ इनोवेशन ऑफिसर ऑफ विच स्टेट ओके आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आर तेलंगाना शी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ इनोवेशन ऑफिसर दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट तो यही जहां पर मैंने आपको क्या कहा जहां फर्स्ट लग गया वो आपके लिए क्या हो गया इंपॉर्टेंट ठीक है जी चलो अविनाश साबले सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट अविनाश साबले एक ना. कौन से स्पोर्ट के साथ ये एसोसिएट करते हैं ये बता दीजिए शूटिंग आर्चरी ट्रिपल चेज या टेनिस वट विल बी द आंसर अविना फॉर द अविनाशले ओके तो अविनाश साबले के लिए आंसर क्या है हमारा बिल्कुल सही चीज के साथ हम इनको एसोसिएट करते हैं तो ये इवेंट चलो बता दो कैपिटल ऑफ बुरकिना फासो बुरकिना फासो की कैपिटल क्या है अवगदोग या बेनफोरा या काया वट इज द कैपिटल ऑफ बुरकिना फासो औगदोग या बैनफोरा या काया द आंसर कैपिटल क्या है ओके okay. तो जी बिल्कुल सही आंसर क्या है हमारा ए ये रहा हमारा बुरकिना फासो दिस इज आर कैपिटल मैप में देखो ठीक है सो अवगदोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज

ओके, फॉर द सेम इज अ 1959 1959, में बेसिकली थी हमारे इंडिया में चलो द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज बता दो हमारे सी वाटर की एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है 3% 3.5% 2.5% या 2% व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ अ सी वाटर थ्री परसेंट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट या टू परसेंट ओके बिल्कुल सही आंसर क्या है हमारा बी सो बेसिकली जो एवरेज सेलिब्रिटी है दैट इज आर थ्री पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है जी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन ये जो पर्टिकुलरली हमारा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है तमिलनाडु मध्य प्रदेश कर्नाटका या वेस्ट बंगाल, वेयर दिस पर्टिकुलर रिजर्व इज लोकेटेड विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बता दीजिए तमिलनाडु मध्य प्रदेश कर्नाटका वेस्ट बंगाल। फास्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने बी आंसर दिया है दिस इज अ राइट आंसर चलो सो दिस आस्किंग खमरी मोट सिक्किम इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव बाय इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी इंडियन आर्मी एंड इंडियन गवर्नमेंट किस किसके बीच का इनिशिएटिव था ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ठीक है सो ये दिस वॉज द किस किसके बीच का था ये दिस वॉज आर इंडियन नेवी एंड मारुति सुजुकी कार एक्सपिडिशन है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को आउटरीच करने के लिए इन्होंने इस पे काम किया है चलो वट इज द थीम ऑफ अ वर्ल्ड मैरिटाइम डे फॉर दिस ईयर इस बार की वर्ल्ड मैरिटाइम डे की थीम क्या थी प्रोटेक्टिंग द ओशियंस मारपोल एट फिफ्टी आर कमिटमेंट गोज ऑन ग्लोबल शिपिंग सस्टेनेबिलिटी या मैरी टाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे फॉर दिस ईयर बता दीजिए प्रोटेक्टिंग द ओशियंस मार्पोल एट फिफ्टी आर कमिटमेंट ग्लोबल शिपिंग सस्टेनेबिलिटी या मैरी टाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ओके सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिल्कुल सही जिन जन लोगों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मारबोल एर कमिटमेंट गोज ऑन इज द पर्टिकुलर थीम फॉर दिस ईयर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां स्थित है बता दीजिए हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज स्टेट स्टितट दिसपुर मरमागांव देहरादून या दार्जिलिंग वेयर इज दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड बताइए आंसर मारमागा देहरादून या दार्जिलिंग हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दिसपुर मार्मागा देहरादून या दार्जिलिंग सो वट इज द आंसर ओके सो बिल्कुल सही आंसर क्या है हमारा दार्जिलिंग में तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां है हमारा दिस इज प्लेस्ड इन आर दार्जिलिंग ंगाल चलो सो द क्वेश्चन इंगेन इंडियन नेवी पार्टनर विद कंपनी फॉर नॉर्थ ईस्ट आउटरीच प्रोग्राम बता दीजिए आंसर इंडियन नेवी ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है नॉर्थ ईस्ट आउटरीच प्रोग्राम के लिए मारुति सुजुकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यूडई या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बता दीजिए इनमें से किसके साथ इंडियन नेवी ने पार्टनरशिप की है यस yes, बिल्कुल सही आंसर क्या है हमारा मारुति सुजुकी ऊपर भी हमने डिस्कस किया है तो यस दिस इज द आंसर इंडिया नेवी और मारुति सुजुकी के बीच की पार्टनरशिप है चलो वाहिदा रेहमन टू बी अवार्डेड विद वाहिदा रेहमन को एक अवार्ड मिलने वाला है तो आपको मुझे बताना है कि कौन सा अवार्ड इनको मिलने वाला है भारत रत्न दादा साहेब फाल्के अवार्ड विजय अवार्ड या फिल्म फेयर अवार्ड बता दीजिए वाहिदा रेहमन को एक अवार्ड देने वाले हैं इस बार लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है तो कौन सा अवार्ड को मिलने वाला है भारत रत्न दादा साहब के अवार्ड या विजय अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड ओके सबके आंसर आ रहे हैं बी तो ये द करेक्ट आंसर इज आर बी दादा साहेब फालके अवार्ड ठीक है चलो एमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इज इनोग्रेटेड बाय इन में से किसने ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है एमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इसको इनोग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हु हैव इनोग्रोटेड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम बता दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओके okay, तो आंसर्स आ रहे हैं ए बिल्कुल सही तो आंसर क्या है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ठीक है जी बिल्कुल सही जी जिसने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है द न्यू स्पीशीज ऑफ मेराइंटिग्रेड नेम्टर एक नई मेराइन मैराइंटारेड की मिली उनको किस उसका जो नाम है एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है तो बता दीजिए कौन से साइंटिस्ट के ऊपर बेसिकली नाम रखा गया है विक्रम साराभाई एपीजे अब्दुल कलाम सी.वी. रमन या होमी जे बाबा द न्यू स्पीशीज ऑफ मेरा ग्रेड नेम्ड आफ्टर विच साइंटिस्ट विक्रम साराभाई एपीजे अब्दुल कलाम सी.वी. रमन या होमी जे बाबा वट इज आंसर ओके तो एवरी वन इज गिविंग आंसर अगेन बी तो बिल्कुल सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम के ऊपर ही इस पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम रखा गया है ठीक है चलो वेयर वॉज द फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस कहां हेल्ड की गई है लंदन बेंगलुरु न्यूयॉर्क या पेरिस बता दीजिए आंसर वेयर वॉज द फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड लंदन बेंगलुरु न्यूयॉर्क या पेरिस एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब एशिया में किसी कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री के अंदर ही इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया है और वो कौन सी सिटी बनी है हमारी दैट इज आर बेंगलुरु में इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया चलो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अ डे फॉर द रिव्यू क्वेश्चन इज आर विच मलयालम फिल्म हैज बीन चोजन एज इंडियाज ऑफिशियल सबमिशन फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अकेडमी अवार्ड इनमें से कौन सी मूवी इस बार ऑस्कर्स के लिए चूज की गई है बता दो केरला मेमोरीज मॉनसून क्रॉनिकल्स इज अ हीरो या फ्लड ऑफ रेजिलेंस व्हाट विल बी द आंसर व्हिच मलयालम फिल्म हैज बीन शूजन एज इंडिया ऑफिशियल सबमिशन फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर केरला मेमोरीज मॉनसून क्रॉनिकल्स टू थाउजेंड एटीन एवरी वन इज अ हीरो फ्लड ऑफ रेजिलेंस बिल्कुल सही आंसर जिस जिसने आंसर दिया है सी तो उनका बिल्कुल सही आंसर है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है सो चले क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर डन विद द रिव्यू क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ द डे देखें सो द क्वेश्चन ओके सो क्वेश्चन ऑफ द डे इज उत्सव पोर्टल लॉन्च टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया वॉज लॉन्च बाय विच एजेंसी एक पोर्टल उत्साहपूटा लॉन्च किया गया है तो आपको मुझे बताना है कि कौन सी एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है आंसर क्वेश्चन में है सीबीएसई यूजीसी सी एस आई एचपीएससी कमेंट कीजिएगा आई सी योर कमेंट एंड फॉर दिस पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा कंपाइलेशन है अगर आपको उसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो या तो आप जिन कोर्सेज में आपने एनरोल किया है वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा डेली करंट अफेयर अपडेट्स का उसमें से आप इस पीडीएफ को अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स है वो आपको इसमें मिलेंगे देन नेक्स्ट पार्ट है इसकी आप हमारी वेबसाइट जो कि एस एस बी क्रैक एग्जाम डॉट कॉम है उसमें भी आपको इसके पीडीएफ अवेलेबल है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्लस यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम रिलेटेड टू डिफेंस आपको मिलेंगे सारे के सारे कोर्सेज जो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम पे आप आके ले सकते हैं एनडीए एफ कैट सी डी एस तो आप इनमें एनरोल कीजिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपके लिए रखे गए हैं जैसे ही आप एनरोल करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पर आप ये कोड जो कि है वॉरियर टेन ये लगाना ना भूलें जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड को लगाएंगे आपको मिलेगा टेन परसेंट का ऑफ सो दैट वॉज ऑल फॉर द डे एनी डाउट फ्रॉम योर ऑल साइड ऑल क्लियर विद द थिंग्स ऑल क्लियर विद द होल मंथली करंट अफेयर अपडेट एंड द कंपाइलेशन ऑर्डर चलो जी ठीक So thank you so much for joining this particular session Jai Hind Jai Bharat now we will meet on monday with new current affair updates thank you so much jai hin.